अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब दोस्तों को अदब शनास की इस खुसूसी महफिल में आप सबका स्वागत है, आप सबका इस्तकबाल है। आज की जो महफिल है वो ख़ास इसलिए है कि हमने आज अपने दोस्त, अपने अदब शनास के मुनज़्ज़म और सीनियर राइटर अज़हर अज़मी की पहली किताब कैफ़े अज़मी को सेलिब्रेट करना है। और उनकी ये किताब कुछ दिन पहले ही मंजर-ए-आम पे आई है और माशाल्लाह से अदबी हलकों में बड़ा पज़ीराई हासिल कर रही है। तो चूँकि अदब शनास के अलावा भी अज़मी साहब से हमारे बहुत सारे हवालों से रफाकत है, तो आज इस महफिल का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। महफिल का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और पहले हम नशिस्त की कुछ सेटिंग इस तरह से कर रहे हैं कि जो साहब दीगर कुतुब पढ़ना चाह रहे हैं वो पहले अपना अपनी कुतुब पढ़ लें, अपना मुताला कर लें, उसके बाद जो एक से डेढ़ घंटा हम अज़मी साहब की किताब पे बात करेंगे और सब उनकी शख्सियत और उनकी किताब के बारे में इजहार ख्याल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये है कि जिन भाइयों ने एक किताब अभी तक नहीं खरीदी उनके लिए करके आज एक खसूसी बात यह है कि वैसे इस किताब की कीमत 1200 रुपये है और डिस्काउंट के बाद अज़मी साहब ने इसे 1000 रुपये में फ़रोख्त के लिए पेश किया, लेकिन आज अदब शनास के साथियों के लिए करके वो मज़ीद 20% का इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं और इस वक्त ये किताब आपको 800 रुपये में दस्तियाब होगी। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि जो भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं और जो भी इस किताब को खरीदना, किताब यहाँ मौजूद है, वो पे करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा उस बंदे से जो काफ़ी अरसे के बाद आए हैं हमारी बजट में, आमिर अज़मी। सबसे पहले आप से शुरू करते हैं, आपके आप पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो मालूम है कि मेरा ताल्लुक फन अदाकारी से है। ऐसा लगा जैसे मेरी सांस बंद हो जाएगी, मगर दिलीप साहब के चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, अरे, और दरवाजा खोलने लगे जो खुशकिस्मती से खुल गया। वो बाहर निकल कर खड़े हुए, तब तक मैं और रहीम भी बाहर आ चुके थे। उन्होंने झुक कर देखा और इस इत्मीनान से बोले जैसे ऐसे हादसे तो रोज होते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, व्हील गटर में चला गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूं क्या करूं। तब तक दिलीप कुमार को देखकर लोग जमा होना शुरू हो गए, बहुत सी गाड़ियां रुक गईं और लोग बाहर आ गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप ठीक तो है ना सर, की आवाजें आने लगी। दिलीप साहब ने कहा, जरा हाथ लगाइए भाई। दर्जनों हाथ एक साथ बढ़े और पल भर में गाड़ी को किसी खिलौने की तरह उठाकर सड़क पर रख दिया गया। दिलीप साहब मुस्कुराए और हाथ हिलाकर हुजूम का शुक्रिया अदा किया, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू थैंक यू। फिर वहीं बैठ गए जहां बैठे थे। गाड़ी चल पड़ी। मैंने देखा रहीम के हाथ कांप रहे थे, मगर वो संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। दिलीप साहब वजाहत मिर्जा की कहानी सुना रहे थे जो अधूरी रह गई थी। मैंने अपने हवास पर काबू पाने लगा और इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। जब यूसुफ भाई को सी ब्रिज पर उतारा और वो अंदर चले गए तो मैं अब्दुल रहीम की तरफ मुड़ा। मेरा जी चाह रहा था कि इस कमीने का गला घोंट दूं, मगर उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक गया। क्या हो गया तुझे रहीम, तू तो इतना अच्छा ड्राइवर है और तूने, उसने हाथ जोड़ दिए। साहब, जब दिलीप साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो पता नहीं क्या हो गया, बस चक्कर सा आ गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं। मैंने रहीम को कुछ नहीं कहा, वो सच बोल रहा था। दिलीप कुमार की कुर्बत, उनके हाथ का लम्स, रहीम जैसे आदमी का होश उड़ा देने के लिए काफी है, जिसने अपने महबूब हीरो को हमेशा तस्वीर में देखा और वो भी दूर से। शुक्रिया। मेरा नाम अयूब इस्माइल है और कुछ नसर में और कुछ शायरी में हल्का फुल्का लिखता हूँ। आज की जो तहरीर है वो तहरीर तो नहीं है, कुछ अहबाब का तारुफ है जो लफ्ज़ों में छुपाया गया है। कोशिश की है कि उसे मिजाज के अंदाज में बढ़ता जाए और उम्मीद है कि आप लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। देखें साहब, दुनिया में जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो इज्जत से जिया जाए और दूसरा ये कि कराची में रिहाइश ले ली जाए। तो अब जब यहाँ रहना ही मुकद्दर ठहरा तो फिर आदत डाल लेनी चाहिए कि आप दूसरों के रहम करम पे ही जिंदा हैं। यहाँ मकामी होटल आपको इतने नहीं मिलेंगे जितने क्वेटा के होटल, मगर ये बात भी अज़र मीन शम्स है कि अगर मकामी लोग कोई अज़्म मुसम्मम कर लें तो वो भी कोई कैफे खोल सकते हैं, चाहे अज़्मी क्यों ना हो।
मगर इसके लिए मेहनत भी बहुत लगेगी और दिन रात जागना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी ज्यादा जागता है वही जिंदा जावेद रहता है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े बन के रह जाते हैं। अब यहाँ इंसान भी हैं और हशरात भी, और ये बड़ी एहसास की बात है कि हशरात को भी यहाँ इज्जत मिल जाती है। अब ये मालूम नहीं है कि ये इज्जत हशरात को मिल रही है या इंसानों को मिल रही है। कराची इतना भी बुरा नहीं, बस दीवारें इश्तहारों से भरी हुई हैं। अब इनसे मुतासिर होकर कोई उधेड़ उम्र जवान जैसे इमरान खान होने के लिए यूनानी दवाओं के चक्कर में पड़ जाता है, तो यूनानी और जवानी के बीच में फंस के जूनानी बन जाता है और फिर उसका निज़ाम शमसी तहो बाला होते रह जाता है। वैसे कि आपको मालूम है कि पहले हमारे निज़ाम शमसी में 10 सैारे हुआ करते थे। जी हाँ, प्लूटो को तो अभी निकाला है, मगर 25-30 साल पहले एक सैारा टेंगो नाम का भी होता था, फिर वो किसी दूसरे निज़ाम शमसी के किसी जोहरा के मजार में चला गया और आखिरकार अपना मेवर भी भूल गया, बस आवारा ही घूमता रहता है। अभी वैसे पहुंचा नहीं, मैं भी घूमते घूमते एक बार कब्रिस्तान जा पहुंचा, देखा कि एक कब्र पे लिखा हुआ है ईमानदार वकील। कुछ देर सोच में पड़ा रहा, फिर कहने लगा क्या जमाना आ गया कि एक ही कब्र में दो मुर्दे दफना दिए। मोबाइल को चेक किया तो एक पोस्ट के नीचे लिखा था माई सियानी, फिर सोच में पड़ गया कि माई भी है और सियानी भी, ये अनहोनी कैसे हो गई। लेकिन जब डीपी पे नजर पड़ी तो दुम दबा के पीछे हट गया। अब अगर मैं अपनी कोई बात करूं, अपनी कोई तारीफ करूं कि जी मेरा मुंह चांद जैसा है या ये मेरा मुंह खूबसूरत है, तो लोग यकीन नहीं करते, मगर जब मैं ये कहता हूं कि मेरा मुंह शाहिदा है तो लोग उसे सच समझ लेते हैं। फिर तो लोगों को जरूर आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। मैं एक आंखों के अस्पताल में पहुंचा तो एक साहब मिले जो सिर्फ तारिक माहौल में ही हसीन जमील नजर आते हैं, इसीलिए नाम भी यही रखा है तारिक जमील। मगर शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, शतरंज में एक वजीर भी होता है जिसे फरजीन कहते हैं। उसकी खूबी यह है कि वो लहरा के हर तरफ चलता है और लोग चाल से धोखा खा जाते हैं। धोखा तो खैर पड़ोसी मुल्क हमें अरसे से दे रहा है, हमारे आबी जखायर को बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है और हमारे वसाइल देखकर उसके मुंह में आबी भर आता है और हम इस झिटाई पे शर्म से आबी आबी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। अब इन बातों पर जंग तो करने से रहे, वैसे भी तसादुम अच्छी बात नहीं, बस मेरी आखिरी नसीहत पल्लू से बांध दीजिए कि अगर कभी रास्ते में किसी आपका किसी चुड़ैल या भूतनी से आमना सामना हो जाए तो उससे बचने का एहसन तरीका यही है। आखिरी नसीहत अपने पल्लू से बांध लीजिए कि अगर कभी रास्ते में आपका किसी चुड़ैल या भूतनी से आमना सामना हो जाए तो उससे बचने का एहसन तरीका यही है कि आप जल तू जलाल तू आमना ओ सॉरी आबी को आई बला को टाल तू का विर्द करते जाएं। बाकी लड़ने का कोई फायदा नहीं, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अगर थोड़ा वक्त दे दो छोटी नज़म सुना दो छोटी सी, सही है? मुझे नहीं दी उन्होंने। कहानी जिंदगानी की, कहानी जिंदगानी की, न मैं तहरीर करता हूँ न ही तहरीफ करता हूँ, न जाने किसके हाथों में ये डोरी है लकीरों की, वर्क बस उल्टे जाते हैं, कभी बोसीदा से होकर कभी जख्मों से तर होकर, भिगोते हैं जो आंखों को कि जैसे नम अगर वो हों तो शायद जख्म मिट जाएं, कि जैसे नम अगर हों वो तो शायद जख्म मिट जाएं, सफ़े फिर से ही जुड़ जाएं। मगर ऐसा कब होता है, कहानी चलती रहती है कि आखिर तब तक कोई स्याही सूख ना जाए, कलम फिर टूट ना जाए, जो बंधन है जरा बाकी वो संगम छूट ना जाए, कोई झोंका फिजा का फिर उसे आज़ाद ही कर दे, वो जिसको मान था खुद पर उसे नाशाद ही कर दे, किताब जिंदगानी को अधूरा ख्वाब ही कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महर बलोच है। वैसे तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, स्टूडेंट हूँ और साथ में एक छोटी मोटी आर्टिस्ट भी हूँ। वैसे तो अजबी साहब मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि इस महफिल में आएँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता।
आज कुछ वक्त निकाल के मैं आई हूँ और आप सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत महफिल है। किताब जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ वो बानो कुत्सिया की राजा गिद्ध है। उसमें एक एक्सट्रैक्ट है जो कि मुझे अच्छा लगता है। स्कूल में हम मास्टर गुलाम रसूल की परवरिश में रहे। उनकी दाढ़ी, जबान की घन गरज और मैस कभी तब्दील ना हुई, जिस पर वो क्लास में आते ही अपनी छड़ी रखते थे। उनकी दाढ़ी हमेशा कासनी मायल सिया खजाब से चमकती नजर आती है। जिस तरह थानेदार मुलजम को लंबा डालकर माँ बहन की गालियाँ देते हैं, ऐसे ही वो हमें बेंच पर खड़ा करके हमारी इज्जत अफजाई किया करते थे। उनकी आवाज़ का वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब था और सिर्फ ऊंचे सुरों पर काम कर सकता था। गर्मियाँ सर्दियाँ उनकी वही बलदार सियाह चढ़ी छड़ी मेज पर नज़र आती। छड़ी तक हमारी रसाई न थी, इसलिए हम मेज से बदले लिया करते थे। प्रकाश से गूद गूद कर नुक्तों के निशान नुक्तों की शक्ल में उनके चारों टांगों पर कई गालियां कुंदा थी, लेकिन ये मेज बदसलूकी के बावजूद और मास्टर साहब अपनी बदवाओं के बावजूद कभी अपनी जगह से ना टले। अगर उनके मुंह से निकल जाता कि जंग आज़ादी 1677 में हुई थी, तो फिर तमाम किताबों की तस्दीक के बावजूद अपनी राय बदलने पर रजामंद ना होते। उनकी इस अटल खासियत की वजह से उनकी तमाम शागिर्द डरपोक घुन्ने और बुजुर्ग दुश्मन थे। मास्टर साहब मुगल बादशाहों की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सकते थे। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक तमाम शाह उनके हीरो थे। अगर उनके अहद हुकूमत या जात में कोई कोताही किसी को नजर आती तो वो बिलबिला उठते। नुकताचीनी करने वाले को दलाइल देकर कायल करने में उनकी सलाहियत न थी, ऐसे में उनका वॉल्यूम कंट्रोल खुल जाता और वो दलील की जगह छंगार से अगले को कायल कर लेते। नवे जमायत के शुरू में कहीं से तौजिक जहांगीरी मेरे हाथ लग गई और सारा दिन हम जमातों को इसके वाकयात सुनाता न थकता। गो मैं मास्टर साहब की जहनीत से वाकिफ था, लेकिन नई नई जवानी चढ़ी थी, अनाप फन उठाए खड़ी थी। मैंने हम जमातों को अपना रोब डालने के लिए एक रोज़ क्लास में जरूरत से कहा, मास्टर जी आपने तौजिक जहांगीरी पढ़ी है? जब तू अभी अभी थोड़ा थोड़ा मूतता फिरता था तभी मैंने इसको पढ़ा था। बैठ जाओ और ज़्यादा इल्मियत न बघार। मास्टर जी मैंने ज़रा सी और कोशिश से कहा, इसमें और कुछ वाकयात दर्ज हैं जिनको पढ़कर एहसास होता है कि बादशाह जहांगीर कुछ ऐसा रहमदिल नहीं था। गुलाम रसूल साहब ने चाक का टुकड़ा अड़ियल मेज पर रखा। नूरजहां से शादी की, ये रहमदिली नहीं। कोई बादशाह किसी दोहाजू से शादी करता है, उसकी कमी थी कवायों की, बोल बता, ये रहमदिली नहीं तो और क्या है? मास्टर जी और मैं मुख्तलिफ पैमानों से रहमदिली को नापते थे। जहांगीर ने एक मुलजम को मास्टर जी बकरे की खाल में बंद करवा के अपने उसके ऊपर से खाल सिलवा दी थी। मुलजम था ना, कोई बेगुनाह तो नहीं था? सजा हमारी बेहतरी के लिए दी जाती है, जब मैं तुम्हें उनको मारता हूँ तो उसका कोई फायदा होता है बताओ? सारी सजा मुलजम के फायदे के लिए होती है, लेकिन मास्टर जी बकरी की खाल में सिलवा देना क्या फायदा है? वो सिकंदर आजम की तरह हर मुगल बादशाह के साथ आजम लगाने के आदी थे। अपने मूंछों के सिलसिले में पहले ही मैं बहुत कुछ शर्मसार था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया, लेकिन इल्मियत बिगाड़ने वाले लड़के ने मेरे अंदर कहीं बगावत कर दी। तालीम व तदरीस की बड़ी बदनसीबी यह है कि आम उस्ताद अमूमन औसत दर्जे का शख्स होता है और वह जहनी जिस्मानी और जज्बाती तौर पर लकीर के फकीर किस्म की बातें सोचता है। उसे जब्त नजम से मिडिल क्लास लोगों से और पढ़ाकू तलबा को पढ़ाने से प्यार होता है, लेकिन सारा दिन वो बड़ी कदावर शख्सियतों और उनके कारनामों की तालीम देता है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी माशरे के साथ मुताबिकत न की, आम तरीन होते हुए वो ऐसे लोगों की तालीम आम करता है जिनकी सतह पर वो सोच भी नहीं सकता। उसका अपना किरदार बच्चों को आम बनाने पर मुसर रहता है और उसकी तालीम बच्चों को खास होने पर उकसाती रहती है। स्कूल से भाग जाने वाले बच्चों की जगह स्कूल में नहीं होती, लेकिन ऐसे ही बागी बच्चों को बेंच पर खड़ा करके हमेशा इन अजीम शख्सियतों की रोशन मिसालें दी जाती हैं जो खुद स्कूलों से भागे थे। हर गुलाम रसूल बच्चों को जीनियस की किताबें पढ़ाकर आम बनाने की कोशिश करता है और यही तालीम का सबसे बड़ा अलमिया है, खास लोगों की तालीम और आम लोगों की दादागिरी। मेरे दिल की बेंच पर भी मास्टर रसूल साहब के साथ कई कदावर शख्सियतें खड़ी थीं। इसी तजाद के बायस मैं उम्र में बढ़ने के बावजूद अंदर से बढ़ ना सका और मेरी शख्सियत उस दरख्त जैसी हो गई जिसे ज़ेबाइश के लिए जापान में पाला जाता है और सालों पुराना होता है, लेकिन जिसका कद एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब रजाक है। आज की जो किताब है वो मेरे पास है मुगालते और मुबालगे, मुबारक हैदर साहब की किताब है ये। अच्छा, ये जो है वो
इस किताब को जो है वो पढ़ने के बाद, असल में मैंने इससे पहले जो है वो अली अब्बास जलालपुरी साहब को भी जो है वो पढ़ा था, उनकी किताब है आम फिक्री मुगालते, ठीक है। तो आई थिंक जो है वो ये भी उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और इसमें जो है वो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, यानी ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हकाइक से बढ़ चढ़ कर पेश करना, ये हम कहते हैं कि ये मुबालगा है। तो हमारे यहाँ पर निसाबों में और गुफ्तगू में या जो हिस्ट्री में बहुत सारे जो ऐसे चीज़ हैं जो हमने मुबालगे और मुगालते के तौर पर जो है वो पेश की हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने जो है वो एक चीज़ यहाँ पर बयान की है, इकबाल को उन्होंने जो है वो कोट किया है कि इकबाल के शेर है कि मगर वो इल्म के मौती किताबें अपनी आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो कहते हैं कि इकबाल ने तो ये जो है वो इशार में सिर्फ एक पहलू का जिक्र किया है, यानी जो है वो दिल हमारा रोता है जब हम अपने आबा की किताबें देखते हैं यूरोप में, बट असल में ये वहाँ किस तरह पहुंची, यानी बीच में जो डेकलाइन है वो कहाँ आया, तो वो आमतौर पर हमें जो है वो नहीं बताया जाता। और आमतौर पर हमारे यहाँ पर जब भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो असल में बात शुरू की जाती है 7th century से, यानी मुस्लिम साइंसदान। तो आमतौर पर ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है वो एक हकीकत से भी आशना है कि नहीं, साइंस इससे पहले भी मौजूद थी, यूनान की बड़ी तहजीब थी, मिस्र की तहजीब थी, चाइनीज थे, इंडियंस थे, इसके बाद आपके पास मुसलमानों की जो है वो हमारे पास आ गई तहजीब, तो उन्होंने भी जो है वो किया, कंट्रीब्यूट किया। तो कहते हैं कि जो है वो हिस्ट्री का सिर्फ हम जो है वो एक पस मंजर दिखाते हैं। अच्छा, एक और हमारे यहाँ पर जो है वो एक थॉट है कि ये डेकलाइन क्यों आया, जो आम तौर पर बड़ा ही जो है वो फेमस है, और ये बल्कि ये इसका इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो है वो दीनी उलमा का दावा है, हम इसलिए मसाइल में हैं क्योंकि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, ये आमतौर पर जो है वो एक स्टेटमेंट दी जाती। तो ये कहते हैं कि हमारे मुस्लिम उलमा की एक खसूसियत उनकी साबित कदमी है, यानी ये 1000 बरस के दौरान अपने ख्यालात से 1 इंच नहीं बले। जब 1256 में हलाकू ने बगदाद को ताराज किया था तो हमारे दीनी उलमा ने तब भी यही कहा था कि हमारी शिकस्त का सबब इस्लाम को हमने छोड़ दिया है। तो ये लिखते हैं, ये मालूम नहीं कि हमने इस्लाम को कब पकड़ा और कब छोड़ा, लेकिन ये तय है कि हमारे उलमा की फजीलत में कोई कमी नहीं आई। तो ये जो है वो किसी स्टेटमेंट के, तो ये जो है वो उस किताब, बड़ी अच्छी किताब है, उसमें बहुत सारे जो है वो ये बिल्कुल एक पूरी नशस्त का मौजू है, मुख्तसर जो है वो उतारो। अच्छा, इसी जो है वो अशरा में जो है वो एक नज्म साहब समातों की नजर, अच्छा जो है वो उसी है कि कहते हैं कि मादे की ना जात होती है ना गुहर पात रखता है। तो 3 हिस्से हैं जो है वो, यानी एक आपके पास शख्स है उसका नाम है सैयद राम टॉम सिंह, सैयद राम टॉम सिंह। तो नज्म है कि मादे मनविया की रतूबतों में कुलबलाते हयातियाती जरसूमें, मादे मनविया की रतूबतों में कुलबलाते हयातियाती जरसूमें, लाखों की तादाद में और सफेद लिबास में उस गुहर मादा को पाने की सही करते हैं जो अपने उस शाख से बिछड़ने की सूरत में लहू रोता है, जो न सिर्फ नाम ले बल्कि बढ़कर ताम ले। मादे की जात होती है ना गुहर पात रखता है, शनाख्त के काने में आगाही कातिब आलात रखता है। 3/4 साल में सातों के कयाल में सैयद राम टॉम सिंह सफर जिंदगी की बुनियाद रखता है। अजान की आवाज राम को अच्छी नहीं लगती, वाइन के कतरों पे सैयद सटपटाता है। सेंटा क्लॉस टॉम को सिख मालूम होता है और सिंह की कृपान सैयद को लोहे का चांद लगती है। असबियत तुलू होती है, इंसानियत मान पड़ती है। एक इंसान के एक वजूद के 4 टुकड़े होते हैं, हर टुकड़े के अपने रोने होते हैं, टुकड़े होते हैं। सैयद के तेल पे टॉम तिल मिलाता है और राम के केल पे सैयद उर्राता है। शनाख्त का हर हिस्सा खुद को कामिल कहलवाता है, आगाही दम तोड़ देती है, झोल मुस्कुराता है। मेरे सैयद राम टॉम सिंह को लौटा दे, जहां से निकला है वहां का बता दे कि मादे की जात होती है न गुहर पात रखता है, शनाख्त के आगाही कातबे हालात रखता है। बहुत मुश्किल। तो अजहर साहब की किताब कैफे अजमी, और इसका मजमून है अंग्रेजी की बीमार नवाजियां। हमें एक दोस्त की बीमारी की खबर मिली, मोबाइल पर कॉल की तो भाभी साहिबा ने उठाया, भाभी साहिबा गुलूगीर और गिलागीर दोनों पाया। सोचा जितना जल्दी अयादत को पहुंचे उतना अच्छा है, वरना सूरत हाल ताजियत की तरफ भी जा सकती है। गेट खटखटाया, घर में दाखिल हुए और मरीज के कमरे में जा पहुंचे। दोस्त साहिब फराज जरूर, मगर
होशो हवास में थे, चेहरे पर बेचारगी और खामोश कलामी जलवा फरोश थी। हाथ मिलाया ही था कि भाभी साहिबा भी साथ आकर बैठ गईं। मैंने मिजाज पुरसी करते हुए दोस्त से पूछा, क्यों भाई क्या हो गया? दोस्त के जवाब देने से पहले भाभी ने तफसीलात से आगाह करना शुरू कर दिया, ए भैया जरा देखें थाईलैंड ने क्या हालत कर दी है इनकी, आपको तो पता है पानी की तरह पैसा बहता है इसमें। मैंने जो थाईलैंड का सुना तो जहन न जाने कहां कहां लैंड करने लगा। भाभी की हां में हां मिलाते हुए कहा, सही कह रही है, थाईलैंड में तो पैसा पानी की तरह बहता है। ये कहकर मैंने जुमानी अंदाज में दोस्त को देखा और दाद दिए बगैर न रह सका। मैंने सोचा, हम जो इसकी शराफत की कस्में खाया करते थे, क्या वो कस्में थाईलैंड से आया करेंगी? दोस्त मेरी कैफियत जांच गया, अभी इसने लब कुशा होने के लिए दोनों लबों को जुम्बिश दी थी कि भाभी के लब गोया हो गए। तुम चुप बैठे रहो, मैं बता रही हूं, डॉक्टर ने मना किया है बोलने से, किसी से जरूरत नहीं अपना हाल कहने की। उन्हें लगा कि कुछ ज्यादा बोल गई है, माजरताना लहजे में बोली, भैया बुरा ना मनाइएगा, वो क्या है कि डॉक्टर ने इन्हें बोलने से मना किया है, गले में तकलीफ जो बढ़ जाती है। अब जो मैंने गले की तकलीफ का सुना तो घबरा सा गया। दोस्त बेचारा मुंह बंद, तस्दीक और तर्दीद की सनद कौन देता? बीवी के खौफ ज़दा एहतराम में वो शबे जफाफ से मुब्तला है। दोस्तों में उसकी मिसाल दी जाती है, बल्कि कभी कभी तो दोस्तों की मौजूदगी में मोबाइल पर होने वाली गुफ्तगू की तमसील भी पेश कर दी जाती है। खैर, मैंने अज़राए मालूमात पूछा, भाभी ये थाईलैंड वाला मामला कब से चल रहा है, शादी से पहले का तो नहीं? दोनों हाथ जोड़े और आसमान की तरफ उठाकर दुआई अंदाज में बोली, अल्लाह जाने भैया, शादी से पहले हुआ के बाद में, हमें तो जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो पता चला, वरना हमें तो कानो कान खबर ना हुई। बात छुपाना तो इनका खानदानी मर्ज है, जिस दिन पूरी बात बता दें हिचकियां लग जाती हैं। मैं समझ जाती हूं। अब इधर उधर की बातें करने लगी, मैं फिर थाईलैंड पर ले आया। बड़े तफ्तीशी अंदाज में पूछा, कभी छुट्टी वगैरह लेते थे इस सिलसिले में? कुछ देर सोचकर बोली, शादी से पहले का तो इनके घर वाले जाने, पूछूंगी तो बताएंगे नहीं। हाँ, शादी के बाद तो उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की, अलबत्ता अपने दफ्तर के दूसरे शहर में कायम ब्रांच में 2-4 दिन के लिए जाते थे। हिसाब किताब जो देखते हैं उसका? मैंने कहा, मतलब हिसाब किताब बराबर करके आते थे। पैसे वैसे कितने लेके जाते थे? शौहर की तरफ मशकूक नजरों से देखते हुए बोली, दफ्तर वाले ही देते होंगे, मैंने इसका कभी पूछा नहीं, मुझसे मांगते तो 1 रुपया ना देती। फिर मेरी तरफ देखकर तफ्तीशी अंदाज में पूछने लगी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त के चेहरे से लग रहा था वो बोलने को बेताब है, मगर बीवी के सामने लब बसता बल्कि दम बखुद है। मैंने बात आगे बढ़ाई, जब वापस आते तो कुछ लाते थे? बुरा सा मुंह बनाकर बोली, जहर। मैंने झट कहा, कभी आपने खाया तो नहीं? हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तंज में कह रही हूं कि अपना सूखा सा मुंह लिए चले आते थे। मैंने कई बार कहा, वहां की बेडशीटें इतनी अच्छी होती हैं, कभी 1-2 ले आओ। कहते, तुम्हारा ख्याल है मैं वहां बेडशीटें लेने जाता हूं। मैंने दोस्त की तरफ देखकर कहा, जेरे इस्तेमाल बेडशीटें ही ले आते, मगर वो है ना कि इस वक्त कहां याद रहता है। दोस्त का बस नहीं चल रहा था कि उठकर चला जाए या मेरा गला ही दबा दे। मैंने कहा, कब तक इलाज चलेगा? भाभी ने मुझे जवाब देने के बजाय अपने शौहर से डांटाना अंदाज में कहा, देख लिया इसका नतीजा, अब छुपाओ बीवी से, अब भुगतना तो हमें पड़ रहा है। फिर मेरी तरफ मुखातिब हुई, इनका कहना है, इनका क्या है, पड़ गए हैं, कल कला को कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि एक थाईलैंड के मरीज को संभाल ना पाई। खैर, कुछ देर बाद वो चाय लाने का कहकर गई तो मैंने दोस्त से पूछा, तुम तो बड़े घुन्ने निकले, थाईलैंड के चक्कर लगाए? दोस्त ने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगा, यहां ये ऑफिस आने जाने के किराए तक का हिसाब रखती है,
शहर से बाहर जाऊं तो ऑफिस वाले इतने कम पैसे देते हैं कि किराए और खाने के अलावा एक कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं बचते। मैंने कहा, फिर थाईलैंड कैसे हो आते हो? दोस्त ने हाथ जोड़ लिए, यार इसने मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया है, घड़ों पानी पड़ जाता है मुझ पर, दुआएं करता हूं कोई मुझे पूछने ना आए। अपने घर वालों को तो मैंने बता दिया है और साफ कह दिया है कि यहां कोई ना आए, लेकिन इसने पूरे ससुराल और मोहल्ले में थाईलैंड का गा दिया है। मैंने कहा, तो एहतियात करते, बताया क्यों थाईलैंड का? दोस्त ने बताया, यार जो तुम्हारी भाभी है ना, बहुत बड़ी अंग्रेज है, तुम्हें पता है ये थाईलैंड किसे कह रही है? मैंने कहा, किसे? सड़ा सा मुंह बनाकर बोला, थायराइड। ये आज लाहौर से दिलीप साहब आजाद मिर्जा की कहानी सुना रहे थे जो अधूरी रह गई थी। मैंने अपने मुबारक हो, कैफे आजमी का बड़ा इंतजार था हमें, और मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब में एक अच्छा इजाफा है जो तंज मज़ा की जो जिम्मेदारी आपने ली है। मेरा ख्याल है कि वह अदब में सबसे मुश्किल जो है सिंफ यही है कि आप माशरे में घरों से निकल के माशरे की तरफ देखें तो इतनी मायूसी है, इतनी उदासियां हैं, और ख़ास तौर पर हम कराची के पस मंज़र पर देखें तो लोग ज़्यादा मायूसी की तरफ जाते हैं, और मायूस करने वाली तहरीरें मार्केट में बहुत आई हैं और अब शायद अब पाइपलाइंस में भी हैं, लेकिन आपकी किताब से ये अंदाज़ा हमने लगा लिया कि आप चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने आए हैं। आपकी किताब पढ़कर चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना, वो बहुत अहमियत है, इसकी बड़ी अहमियत है। आप एक मायूस आदमी को जो है मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, यही आपकी कुव्वत है। और फिर देखें आपकी तर्ज तहरीर और आपके जो अल्फाज का इस्तेमाल और जो अंदाज है आपका, वो तो जाहिर है, वो इससे हम दो तीन साल हो गए आपसे मुलाकात हुए। हमारी पहली मुलाकात जो है वो इकबाल साहब ने करवाई है, वो कराची उर्दू बिलाद के ज़रिए बहुत अच्छे दोस्तों से हमारे मुलाकात कराई है। जावेद भाई बैठे हैं, अजहर साहब भी बैठे हैं, तो अजहर साहब की दोस्ती यारी में हमने ज़िंदगी में पहली मरतबा नियारी भी खाई है। तो बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। एक मरतबा मैं इनको लियारी ले गया, लियारी में एक जो है एक यार याद है आपको, तो एक महफिल में जो है इन्होंने कुछ कहा वहाँ पर, तो हमने कहा अजहर साहब कुछ कहें, तो अजहर साहब ने जो कुछ कहा वो तो खैर सामीन जो है जो सुना तो उन्होंने काफ़ी तालियां भी बजाई, लेकिन चंद दिनों बाद फिर मुझे पूछने लगे कि वो साहब कौन थे भाई। तो हमने कहा कि ये देखें अदबी अदब या आदाब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो है माशरे में जो है इनके जो है क्या कहते हैं वो वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही हैं, सही है ना? तो इस उदासी और मायूसी के माहौल में आपकी तहरीर अगर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है तो मैं समझता हूँ ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। और आप को मशवरा हम यही देंगे कि आप एक तो घर से निकल जाएं, घरों के अंदर जो हो रहा है, मसलन साहब ने भी कहा कि सास बहू ये चीज़ों से निकल के आप देखें हमारे माशरे में कितनी खराबियां हैं, कितनी खामियां हैं, और वेलन कौन है? वेलन सिर्फ औरत नहीं है हमारे माशरे में, हम औरत को क्यों वेलन कैसियत से जो है पेश करें? मर्द जो है वो ज़्यादा जो है वो उससे बड़ा वेलन तो इस माशरे में कोई है नहीं। तो अगर हम अपने माशरे में घूमें फिरें और जो हमारे जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल की तरफ देखें कि उनका मुस्तकबिल
क्यों तावनाक नहीं है, क्यों, तो इसका सबब कौन है, वजह क्या है? चूंकि आप की तहरीर जो है वो असर करती है, तो हमारी तो गुजारिश यही है कि आप माशरे के और भी पहलू हैं तंज व मज़ाक के अलावा, उनको भी अगर उजागर करें, तो मैं ये समझता हूँ न सिर्फ ये एक अदब की खिदमत होगी बल्कि माशरे के लिए भी एक बेहतर जो है मस्बत रदमा लाएगा उसका। आपको मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ, ये आपकी कामयाबी है। और जो रिजवी साहब ने हमें बताया, तो इसका मतलब है कि 30-40 कंसेप्ट और आपके जहन में हैं, तो तो उनको भी निकालने के लिए हम मुंतजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कल की बात है। अच्छा जी, मेरा नाम आमना एहसन है, वैसे सारे जानते ही हैं। अच्छा, लगता है कल की बात है, लेकिन साहब इस वाक्य को 3 साल गुजर गए हैं जब अदब शिनास की नशिस्त में एक साहब ने अपना तारुफ अजहर हुसैन अजमी के नाम से करवाया और बताया कि आज मैं अपना लिखा एक मजमून पढ़ूंगा। मजमून का अनवान था खानदान थे तो पानदान थे। इनकी तहरीर ज्यादा पसंद आई या पढ़ने का अंदाज, मैं आज तक फैसला नहीं कर पाई। अजमी साहब को मुस्तकिल 3 साल पढ़ने से अंदाजा हुआ है कि ये अवाम के दिलों में क्यों बसते हैं। पहली वजह है मजा पर लिखना। स्ट्रेस से भरपूर जिंदगी में मजा लिखना आसान नहीं है, और वो फिर वो भी घरेलू जिंदगी के आम मामलों पर। अजमी साहब की तहरीर की खास बात, खास चीज नॉस्टैल्जिया है। आप जानते हैं कि पुरानी यादों को ताजा कैसे करना है। इनका मजमून खानदान थे तो पानदान थे ही पढ़ लीजिए, आपको जरूर अपने घर के किसी बुजुर्ग की याद आएगी जो पानदान में मौजूद खजाने से बड़ी महारत से पान बनाया करते थे और इस पानदान को हाथ लगाने पर पाबंदी हुआ करती थी। लेकिन हाँ साहब, हमारी जेन जी शायद इस मजमून का मजा तभी ले पाए जब उन्हें बताया जाए कि पानदान आखिर होता क्या है। एक अहम बात यह है कि अजमी साहब ने हमारे करीबी रिश्तों पर तहरीरें लिखी हैं, लेकिन हर रिश्ते का तकद्दस संभाल कर रखा है। इनका मजमून दादी पोती की दिलचस्प बातें की मिसाल सामने है। हम सभी अपने दादा दादी या नाना नानी से पुराने किस्से और कहानियां सुना करते थे और कहीं कहीं उन्हें छेड़ा भी करते थे। इसी छेड़खानी को बहुत मोहब्बत से अजमी साहब ने पेश किया है। और आप अपनी दादी जान को ये तहरीर पढ़कर सुना सकते हैं, वो नाराज नहीं होंगी बल्कि उनके लबों पे मुस्कान आएगी। अब सोशल मीडिया पर आपकी किताब की आमद के साथ साथ एक बहस छिड़ चुकी है कि साहब आपके लिखने का स्लूप किस मशहूर मारूफ लिखारी जैसा है, तो हमें लगता है कि आपका एक अपना अंदाज है और इसी अंदाज ने आपको सबसे मुनफरिद कर दिया है। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, तो आप ही बता दीजिए वो इंस्पिरेशन कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद अहमद है और आज हम यहाँ अजहर भाई की तौसीफ के लिए और उनकी मदह सराय के लिए मौजूद हैं। इनकी नई किताब, बल्कि पहली किताब कैफे अजमी मंजर आम पर आई है। अजहर भाई से ताल्लुक लगभग 4-4.5 साल पुराना है। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर नया नया लिखना शुरू किया था, अपनी वॉल पे तो वो लिखते थे लेकिन उस कदर कारीन मैसर नहीं आ रहे थे। उन्होंने ग्रुप्स में लिखना शुरू किया और हमारी खुशकिस्मती के हमारा ग्रुप रूसुल बिलाद कराची के नाम से है, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर लिखना शुरू किया अपने लिखने का सफ़र। और मुझे अच्छी तरह याद है, शुरू में अपनी याददाश्तें शेयर करते थे एडवर्टाइजिंग के हवाले से, जिसमें इनके जो साबिक बॉस हैं जिनमें उज़्मा गिलानी और आसिफ रज़ा मीर, उनके हवाले से और ओरिएंट जो है उनके हवाले से, ये जो भी इनकी याददाश्त थी और बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी जाती थी। लेकिन फिर हम सबकी खुशकिस्मती कि उन्होंने मुख्तलिफ मामलों पर मज़ाहिया मज़मून लिखने शुरू किए। और एक और दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि इनका जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मजमून इस वक्त यहाँ ज़ेर बहस है ख़ानदान और पानदान वाला, वो सबसे पहले किसी अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ तो रसूल बिलाद कराची था, और फिर उसके बाद वो दुनिया भर में वायरल हुआ और मेरे ख्याल में शायद ही कोई बड़ी वेबसाइट हो या कोई बड़ा अखबार हो जहाँ पे ना छपा हो। तो एक और पड़ाव फिर हमारा आया 3 साल पहले, जब आमना एहसन की तशहील करदा इस खूबसूरत अदब शनास नामी नशिस्त में अजहर साहब आए, मेरी दरख्वास्त पर आए, और उन्होंने उस दिन के बाद से, जैसे कि अभी शाहिदा ने कहा कि ऐसे दिल जीते हैं लोगों के, जब वो आते हैं तो
तो वाकई में गुदगुदी मचने लगती है। बल्कि कई मौक़े ऐसे आए हैं कि चूंकि मैं प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा होता हूँ, तो कई मौक़े ऐसा होता है जब मुझे लगता है कि प्रोग्राम डल हो गया है या लोगों को थोड़ा सा अटेंशन, मैं माजर चाह रहा हूँ अपने अंग्रेजी के अल्फाजों की तरखीब के लिए, अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, तो उस वक्त महफिल को उठाने के लिए, महफिल को गरमाने के लिए हजरत साहब को तकलीफ देते थे और उनके मजमून और उनके आमद जो है वो महफिल में मुकम्मल तौर पर जान डाल देती थी। तो ये सिलसिला बहुत अच्छा रहा। उन चंद लोगों में मैं भी शामिल था जो मुसलसल इसरार कर रहे थे अजहर भाई से कि वो अपनी किताब लिखें, अपने मजामीन को एक मजमूए को तरतीब दें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये किताब हमारे हाथ में है। अच्छा, आज एक और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी महफिल के हमारे उरूसुल बिलाद कराची के बुजुर्ग इकबाल रहमान साहब, उन्होंने इज्जत बख्शी और अदब शनास में पहली बार तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पर माइक जो है इकबाल भाई के हवाले करूँगा और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अजहर भाई के हवाले से और उनकी किताब के हवाले से कुछ आप बयान कीजिए। अजहर भाई ने मुझे जब किताब दी, इसके फौरन बाद इसका मुताला शुरू हुआ और दो चार दिन के अंदर मैंने उस पर तबसरा भी लिख दिया। वो ये है कि कैफे अजमी फिकाया मजामिन से आरास्ता 216 सफात पर मुश्तमिल भाई अजहर हुसैन अजमी की ये किताब हाल ही में मंजर आम पर आई है। अजमी साहब अहले जबान हैं, इसलिए उर्दू को बरतने का सलीका खूब जानते हैं। अदबी हलकों में उनकी पहचान नस्तालिक लहजे की पढ़न थे। अल्फाज को गुफ्तगू में उनका असल रूप देना उन्हीं का कमाल है। वो गुफ्तगू करें या किसी मजमून की पढ़न, उनका लहजा, कवायद और अल्फाज की रोक और रवानी मजा दे जाती है। ये जो मैंने लिखा है, ये इसकी जो लिखने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हम मेमन लोग हैं, तो जैसे कभी लिखा हुआ आता था आज शब को, तो हम उसको पढ़ते थे आज शब को, और इस तरह आता था मुलाहिजा फरमाइए, तो हम कहते थे मुलाख्ता फरमाइए। तो अजहर साहब जैसे लोग जब बिल्कुल नस्तालिक लहजे में वही सिर्फ अल्फाज की सही हिज्जे नहीं बल्कि उसकी अदायगी, तो ये इनका बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों पर कि इनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ये तो हो गई तारीफ की बात। अब हम आते हैं इस मजमून की किताब का दूसरा हिस्सा, नस्तालिक उर्दू से मुजयन इन खूबसूरत मजामीन में अंग्रेजी अल्फाज की पेबंदकारी गला गुजरती है। गुफ्तगू में सरजद हो जाए ये और बात है, मगर तहरीर में इस आलूदगी से बचा जा सकता है। तो ये गुलबानो साथी बैठी हैं, जब इन्होंने लिखा था वो कौन सा नावल है रगी जात, जब मुझे दी थी एडिटिंग के लिए, तो मैंने उसमें से सारे अंग्रेजी अल्फाज निकाल दिए थे और उसको टोटल उर्दू का बना दिया था। तो ये जो चीज होती है ना, अब जैसे इसी तरह से हम मानों की बात करते हैं, अभी खातून बैठी है वो कहने लगी कि हम कहीं गए हुए थे तो किसी की इजाजत को उन्होंने कह दिया हम ताजियत करके आए, तो ये खैर ये ब्लंडर तो मेमनों में तो अक्सर होता था। लेकिन कुछ जो जुमले हैं ना, जैसे अभी कल मैंने एक मजमून पढ़ा, उसमें लिखा था कि किसी से मिलने गए थे कि हम और किसी के बारे में इजहार ख्याल था कि उन्होंने को खराज अकीदत पेश किया, तो मैंने कहा यार ये क्या कल तक तो थे, हाँ जी नहीं जीते जी तो खराज तहसीन पेश कर दिया, हाँ जीते जी पेश कर दिया। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, जैसे एक और मैं आपको बताऊं, फातिहा, फातिहा के माने दुआ के होते हैं, लेकिन हम मेमनों के नजदीक नहीं, क्योंकि फातिहा जो है ना उस आदमी की पढ़ी जाती है जो दुनिया से जा चुका होता है। हम किसी से कहे यार फला आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा है, वो कहेंगे फातिहा पढ़ लो, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे मिलेंगे, मतलब आप नहीं मिलेंगे। तो ये जो अल्फाज, इसी तरह से मैं सिर्फ ये मेरे कहने का जो मुद्दा है वो ये है कि हम अल्फाज को उसके असल मानों के जो माशरे में मुरविज हैं, हम रहते थे न्यू टाउन की मस्जिद के पास, तो उसके इमाम साहब जो थे वो लखनवी थे, तो वो जब किसी का इंतकाल होता बुजुर्ग आदमी का या किसी की वालदा का, तो वो कहते थे कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, यानी मगफरत तो इनकी हो चुकी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, ये सोशल मत एक वो था। तो अब लेकिन जब हम जैसे किसी गुनहगार का इंतकाल होता तो वो कहते हैं अल्लाह उनकी मगफरत करे। अब आजकल फेसबुक पे ये आया है कि जिसको देखो अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे, अब अगर वो आदमी यहाँ की बजाय वहां पहुंच गया तो उसको 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये अल्फाज का कितना फर्क होता है ना। तो बहरहाल अजहर भाई जो हैं,
इनसे हमारी शुरू से दोस्ती रही। इसमें दो जुआतें, एक तो ये उर्दू तो खास है, दूसरी बात यह है कि कल परसों एक मजमून में पढ़ रहा था जापान और जापानी और चीनियों के बारे में। वो कह रहे कि जापान और चीन के लोग बहुत सफाई पसंद हैं, वहाँ के जो फ्रूट हैं वो भी उसके अंदर भी बहुत गजाइत होती है और वो ये वो। फिर मैंने उनको नीचे लिखा कि इसके बावजूद जापानी है तो 4 फुट है, तो हम और अजहर भाई 6 फुट के आदमी हैं, लस्सी पीते हैं और मौज उड़ाते हैं। जावेद भाई से भी दोस्ती की यही वजह है कि इनसे ईद मिलने में मजा आता है। मेरे हम सब भाई जो है ना लंबे कद के हैं, तो मेरा भतीजा जब मैट्रिक में था तो वो भी हमें थोड़ा लंबा हो गया, तो कालकेस कंपनी में गया तो वहां थे आजम मिर्जा, वो भी लखनऊ के, उन्होंने वो मेरे भतीजे गले मिले और मेरे भाई को फोन किया, बोला सिद्दीक भाई आपका बेटा आया, मैंने दौड़ के उसको गले से लगाया लेकिन मैंने उसके पेट पर ही जान दे दी। तो बहरहाल अजहर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ इसके अंदर जो आपने लिखा है ना, देखें जब मैं मेरी शादी हुई तो मैं अपने मुर्शिद को कार्ड देने गया, तो उन्होंने कार्ड दे दिया, बोला मियां कल हम मस्जिद में जरूर मिलेंगे निकाह के वक्त, लेकिन इस्तेवाजी जिंदगी की कामयाबी का गुर आपको बता देते हैं। तो उन्होंने बहुत सीरियसली कहा कि आप नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिएगा। मैंने कहा जी हजरत। कहा मस्जिद में जाए तो कहें अल्लाह में तेरा बंदा हूं। मैंने कहा जी हजरत। जब घर में आए तो कहें भगवान में तेरा बंदा हूं। तो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। तो मैंने 40 साल इस तरह गुजारे हैं ना, तो मेरी इस्तेवाजी जिंदगी बड़ी खुशगवार है। लेकिन हर घर की कहानी मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक चीज अजहर भाई ने जो उसमें लिखी है ना, मैं उससे शदीद इख्तलाफ करूंगा। जो उन्होंने लिखा है कि एक कोविड के जमाने का वाकया लिखा है कि मियां बीवी दोनों मुलाजमत पेश आए, तो सास जो होती है बहू से कहती है कि आप जब जाओ तो एक नजर डाल लिया करो, ऐसा ना हो कि दम निकल गया। तो उन्होंने बहू ने कहा कि अम्मा जब बदबू उठेगी तो लोगों को पता चल जाएगा। ये हमारे माशरे में नहीं होता, ये इस तरह 1 करोड़ घर में से किसी एक घर में होता है तो उसकी मतलब उसको फरोग नहीं देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए उससे। तो आप ये एक चीज जो है मुझे वाकई नागवार गुजरी तो वो मैंने बता दी। तो ओवरऑल किताब बहुत अच्छी है। और अभी आपसे बात हो रही थी ना वो मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, तो लाखों पैरोकार, तो हमारी उर्दू जबान बहुत खूबसूरत है। अब मैं एक आखिरी जाती बात बता दूं, 4 दिन पहले की बात है, एक लड़की आई स्टूडेंट थी, वो आई दुकान थे मेरी और कहने लगी कि 1000 रुपीज की चेंज होगी, तो तालिबा थी ये बोल सकती है तो उसने कहा 1000 रुपीज की चेंज होगी, मैंने कहा नहीं है, क्या लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मुझे बहुत जरूरत है। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए का खुला है अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि उर्दू हमारी खूबसूरत जबान है, वही बोला करें। तो वो कहने लगी कि जी अंकल, मैंने कहा अंकल नहीं चचा। तो फिर उसने 100 रुपए के खुले लिए, कहने लगी थैंक शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो मेरा हमारा जो है ना पूरा मेरे पूरे कराची रूसुल बिलाद में जो पूरी मुहिम है वो अंग्रेजी अल्फाज की पेमनकारी के खिलाफ है और रोमन उर्दू के खिलाफ है। हम प्लीज प्लीज फेसबुक में मैं जहाँ इमले की गलती देखती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कि 25 साल टीचर रह चुकी हूँ जी जी, इसलिए मैं फौरन इमला दोष करके लिख देती हूँ कि भाई किसी को बुरा लगे ये हमारा फर्ज है जी, मुझसे रहा ही नहीं जाता कि मैं उसकी। तो ये बहरहाल मेरी बात खत्म हो गई, और कोई बात किसी को नागवार गुजरी हो तो हम मेहमान लोग ये कहते हैं कि 2 रोटियां ज्यादा खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरत परवेज है और मैं तालिबिल्मी के ज़माने में अपने नाम के साथ मसरत महरूम लिखती थी। मेरे वालिद ने कहा बेटा ये सही नहीं है, तो मैंने महरूम को आस कर दिया। फिर मैं आस के मसरत आस के साथ के खुशी की आस लिखने लगी। मेरा अखबार में ये 90s की बात है, शादी के बाद मेरा कॉलम छपा तो मैंने खुशी खुशी अपने हस्बैंड को बताया कि ये मेरा कॉलम छपा है। उन्होंने नहीं पढ़ा, इस पहली नज़र उनकी पढ़ी मसरत आस पे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा भाई मैंने लिखा, तो कहाँ नाम है पूरा जो तुम्हारा अब नाम है। तो मैं अजीज साहब को बहुत सी शिकायतें हैं औरतों से, तो मैंने कहा आज मैं भी अपना दिल जरा हल्का कर लूं कि जी मर्दों को में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे हमारे दिल में लगती हैं और सुराख कर देती हैं। तो और मैंने इनके बहुत सारी, अभी कुछ ही दिन हफ्ता हुआ है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरी बहुत ही अजीज कजन
जिन दिनों मैंने इनसे रابطہ किया, इनसे किताब ली, मेरी अजीज कजन का ब्रेन हेमरेज में इंतकाल हो गया। जो कजन कम दोस्त ज्यादा थी मेरी, मैं बहुत डिस्टर्ब रही, लेकिन ऐसे मौके पे इनकी किताब ने मुझे बहुत सहारा दिया। जब तक मैं मुताले में मसरूफ रहती थी तो मेरा जहन बटा रहता था। कुछ मजामीन मैंने पढ़ी हैं जिसमें से चंद एक का जिक्र करना चाहूंगी, जैसे सास। इनका अब क्या कहूं, सॉरी माजरत के साथ, लेकिन मैं भी कभी बहू थी और मैं भी अब सास हूं। और आपका जो सास के हवाले से मैंने तजुर्बा देखा और पढ़ा, लेकिन मैं ऐसी सास को भी जानती हूं जो आप जिस तरह का आपने दिखाया है सासों को, वो ये कहना है मुझे कि मैंने ऐसी सास भी देखी जो ट्रे लेके कमरे में बहू के लिए जाती है नाश्ता सजा के, और जिसकी बहू शादी के 6 साल बाद ये कहती है कि अपने हस्बैंड को फोन करके सुनो वॉशिंग मशीन का बटन कहाँ से ऑन होता है। तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। वैसे आपका सबसे मजेदार मुझे जो मजमून लगा वो बाज आए ऐसी आदत से आप लिखते हैं, और इस पे मैं भी लिख चुकी हूँ। और जब मैं दरस व तदरीस में थी तो मैंने बोर्ड बनाया था, अच्छे मेहमान बनिए और अच्छे मेजबान बनिए। तो बहुत सारी बातें उसमें ऐसी नजर आई मुझे जो मेरी अपनी भी दिल की आवाज है। वो आप जो तो उस मजमून में वो दो खवातीन का जो किरदार है, मैंने ऐसे किरदार हकीकत में देखे। आपने जिनका नक्शा खींचा है बिल्कुल आपका कलम सच कहता है, और मैं कहती हूँ कि कलम में वाकई बड़ी ताकत है। और हमारे अपने साथ ये हुआ है, हमारे शोहर के एक बहुत अच्छे दोस्त आए, वो उर्दू को अपना गुलाम समझते थे, कहने लगे बातों में मैं आपकी ताजियत के लिए आया हूँ। और मेरे शोहर मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ, मैंने सोचा कि नहीं आपकी ताजियत के लिए जरूर जाना चाहिए। मैंने कहा मैंने कहा भाई साहब आप आदत के लिए आए हैं। तो यही कुछ उस मजमून में भी है। जी तो बस ये है कि ना इंशाल्लाह मैं आगे भी पढ़ती हूँ, बहुत कुछ इरादा है करने का, लेकिन सच बताऊं कि मुझे माहौल नहीं मिला। बहुत कुछ था मेरे अंदर, मैंने अपने स्कूल की लाइफ में खुद ड्रामा लिखा, खुद डायरेक्ट किया, मैं लिखती क्या थी जहन में लिखती थी, और कभी मैंने स्क्रिप्ट लिख के नहीं लिया, जबानी याद करवाती थी बच्चों को, प्रैक्टिस करवाती थी। तो मैंने अपनी तरफ से तो कुछ करना चाहा था लेकिन मुझे माहौल नहीं मिला। तो एक छोटी सी नज़्म है, मुख्तसर कहानी जो मैंने लिखी थी, नजर करती हूँ अजमी साहब अगर आपकी इजाजत हो। जिसके दिल में रहते थे उसके घर में रह ना सके, जिसके घर में रहते हैं उसके दिल में रह ना सके। शुक्रिया। जरा आप हमारे इकबाल भाई, आपकी एक तहरीर जो के दुनिया भर में वायरल हुई उर्दू के लिए एक दफा है, मैंने आपको कुछ दिन पहले उसकी एक रील की भेजी थी, लिंक सेंड किया था कि एक नौजवान ने पढ़ी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ी, वो नौजवान हमारे साथ मौजूद है। तो आज उन्हें पता चला कि जिन्हें पढ़ा है वो कौन थे, मैंने आपका अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान अंसारी और मैं उर्दू अदब के हवाले से टिकटॉक पर वीडियोज बनाता हूँ, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तकरीबन। तो बहुत से लोगों ने मुझे सराहा और बहुत से अदब से रिलेटेड लोग जुड़े मेरे साथ सिर्फ उर्दू के ज़रिए। तो एक इनकी एक तहरीर थी, नहीं लिखता नहीं हूँ, बनाता हूँ वीडियो जी, उर्दू को फ़रोग देना जी, फॉलोअर्स है मिलियन नहीं 10 लाख। देखिए आपने मिलियन इस्तेमाल किया, ये चोट लगे नहीं हो 10 लाख चाहने वाले, 10 लाख पीछा करने वाले पैरोकार। तो ये कैफे अजमी का पोस्टर मैंने देखा था सोशल मीडिया पर ही, तो आज राइटर से आमना सामना हो गया,
मुलाकात हो गई। तो एक नज़म मैं पढ़ना चाहूँगा, सुहेब मुगेरा सिद्दीकी के। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायदानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा कदम, वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मतरबों का कदम, जैसे साप आगा माप आगा सारे वो तबले की तरकट, तक दिन धनक दिन तनक दिन धनाधन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। वाह वाह वाह। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे ज्योमेट्री को जन्म दे सके। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे खड़ी है, मगर मुड़के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डियोंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठा ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्मो फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। शायर है सुहेब मुगेरा सिद्दीकी। वो बैंक वाली वो इकबाल साहब की एक तहरीर मेरे सामने से गुजरी थी, मैंने उस पर वीडियो बनाई लेकिन राइटर का नाम नीचे नहीं लिखा हुआ था। तो राइटर का नाम लाजमी लिखा करें जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं, ताकि कोई बनाना चाहे तो सराहा जा सके। लिखारी वाकई में बहुत ज्यादा। तो कहते हैं कि मकामी बैंक की मालूमात नंबर पर फोन किया तो पहले हमारा शुक्रिया अदा किया गया, उसके बाद अंदिया दिया गया कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। फिर कहा गया उर्दू के लिए एक दबाइए, हमने एक दबाया तो फौरन साहबजादे गोया हुए, दिस इज कामरान, हाउ कैन आई हेल्प यू। हमने उनसे कहा मियां साहबजादे, हमने तो उर्दू के लिए एक दबाने पर अमल किया है, इसके बावजूद ये अंग्रेजी। फरमाने लगे जी बोलिए। हमने कहा बोलते तो जानवर भी हैं, इंसान तो कहता है। तो जवाबन इरशाद हुआ जी कहिए। हमने कहा हम कह देते हैं मगर आपको इखलाकन कहना चाहिए था, फरमाइए। अब वो परेशान हो गए, कहने लगे सॉरी फरमाइए, क्या कंप्लेन है। हमने कहा एक तो ये कि सॉरी नहीं माजरत सुनना चाहेंगे, इसलिए कि उर्दू के लिए एक दबाया है, और दूसरी बात ये कि कंप्लेन नहीं शिकायत, इसलिए कि उर्दू के लिए एक दबाया है। हमने कहा सर नहीं सॉरी, अब तो सचमुच परेशान हो गए और कहा सर मैं समझ गया, आप शिकायत बताएं। हमने कहा सर नहीं जनाब, इसलिए कि एक का नंबर दबाया है और शिकायत सुनने के बाद कहा जी आपकी शिकायत नोट कर ली है, इसे कंसल्ट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। हमने कहा शिकायत नोट नहीं बल्कि दर्ज करनी है और मुतालिका शोबे तक पहुंचानी है, इसलिए कि हमने उर्दू के लिए एक दबाया है। कहने लगे जनाब मैं सीट से उठकर खड़े खड़े बात कर रहा हूं, आपने सर यहां पर आपने सीट लिख दिया सीट से उठकर खड़े खड़े बात कर रहा हूं, आपने उर्दू के लिए एक नहीं हमारा गला दबाया है। हमने कहा अभी कहां दबाया है,
आप सीट से क्यों उठे, आपको नशिस से उठना चाहिए था, पता नहीं आपको हमने उर्दू के लिए एक दबाया है। तो कहने लगे अब मैं रो दूंगा। हमने कहा सितम जरीफी ये है कि आपकी गुफ्तगू और सुथरा लहजा बता रहा है कि आपका ताल्लुक उर्दू गुफ्तार घराने से है, मगर क्या उस्ताद पड़ी है आप पर के मुंह टेढ़ा करके अपना मजाक बनवा रहे हैं। कहने लगे मेरे बाप की तौबा। क्या बात है। अच्छा जी, माशाल्लाह नशीद जारी है और काफी पढ़ने वाले मौजूद हैं। इख्तसार से सारा सब दोस्त काम लेंगे तो सबकी बारी आएगी। और एक चीज का रिमाइंडर करवा दूं, मैं याद दिखाने करवा दूं, सॉरी कि ये जो नशिस्त है इसमें रिफ्रेशमेंट के 500 रुपए फी कसम ने पे किए थे। आदाब जनाब, मेरा नाम सद्दाम सिद्दीकी है और कैफे अजमी के इस बज़्म में हम एक कैफे में बैठे हैं। तो उस किताब में तकरीब रोनुमाई जो है वो किसी, वैसे तो अजमी साहब की है लेकिन आजमी किताब इसमें हमारे सामने आई है। इस किताब में एक जाती हमला किया है इन्होंने मुझ पर, जिसमें जी जी आपका एक मजमून है हर सास रा दमादस्त। तो इस साल मेरी शादी हुई तो उसमें मुझे ये लगा कि जो रुख इन्होंने पेश किया वो इंतहाई मजहका खेज तो है लेकिन कहीं कहीं सच्चाई भी है उसमें। लेकिन मुझे जो जाती तौर पर आपकी तहरीरें पसंद रही हैं वो पान के हवाले से रही हैं। तो मैं एक खानदान थे तो पानदान थे के चंद अक्तबास पढ़ूंगा। खानदान थे तो पानदान थे, गुजरे दिनों में पानदान क्या था वो समझ लीजिए, घर की सारी सियासत इसके गिर्द घूमती। पानदान में एक जहान आबाद होता, तुड़े मुड़े नोट, अठन्निया चवन्निया, कटे पटे प्लास्टर, ब्लस्टर पैक से बाहर निकली कत्था लगी गोलियां और हिरन छाप तंबाकू, कटी अधकटी छालियां, कभी गीला तो कभी बहुत सूखा कत्था चूना, जिसे खुरचते हुए सास साहिबा अकेले कमरे में अपनी बहुओं को दबी दबी अल्फाज में खूब बुरा भला कहती और इनके साथ पानदान की तारीख दोहराती। अरे जहेज का पानदान अब ढूंढने से नहीं मिलेगा, छह मर्तबा कली कराया, फिर सा निकल आया, फिर नया सा निकल आया। भैया अब मुझ में ताकत नहीं कि बाजार जाके कली कराऊं और कली वाले का पूछती फिरूं। पान की गिलोरी मुंह में रखते हुए खुद कलामी में एक नई जान पड़ जाती। अरे खूब जानती हूं, इधर मेरी आंख बंद हुई और ये गया सटोर में। असलम की बीवी, उसको तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे पानदान से और मेरे खानदान से भी। अब कोई पूछे इससे क्या बिगाड़ा है इसने, तेरे चुटकी नोची है कहा, इस कोने में पड़ा रहो है आनी। तो पानदान का जिक्र हुआ तो खरीदारी का किस्सा रह जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। जब जहेज आ रहा था तो पुप्पो रशीदा ने पानदान को, पानदान तो मैं ला कर दूंगी सुरैया को। अब भैया हमारे फुप्पा इनायत निकल पड़े, बहू तेरी दुकानें छान मारी तब कहीं जाकर मिला ये पूरे पांच सेरी का पानदान। खुदा झूठ ना बुलाए, फुप्पो ने सारे पैसे निकलवा लिए थे। हमारे बाबा भी हिसाब के खड़े थे, अम्मा से बोले तुझे कसम है रजिया जो तूने एक पैसा भी रखा। शादी के दूसरे दिन जब मैं चौथी करके ससुराल आई तो सास बोली ए दुल्हन जहेज में सबसे भारी तुम हो और तुम्हारे बाद ये पानदान। एक दिन की ब्याही थी, खून के घूंट पी कर रह गई वो तो। जब दूसरे रोज सास का दोसहरी का गंदा बसंदा पानदान देखा तो सास की सारी कलई उतरी। अरे मुझे देखो क्या हो गया है, किस कली की बात कर रही हूं और किस कली उतारने बैठ गई। एक नजर पानदान को देखती, पहले कमबख्त मारा गली में आ जाया करता था कली वाला। अरे क्या नाम था उसका भला सा, हाँ हाँ मुश्ताक कलीगर, सालों से शक्ल नहीं देखी इसकी, मर खप गया होगा, अल्लाह झूठ ना बुलाए, बहुत काला
बहुत काला, बिल्कुल उल्टे तवे जैसा। एक दिन तो मैंने भी कह दिया, अरे इतनी चीजों पर कली करे है, खुद पर क्यों नहीं कर लेता। बड़ा शरीफ आदमी था, कहने लगा अम्मा टेम नहीं मिलता। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, बहुत खुशी की बात है आज ये हमारे लिए सबके लिए कि हमारे अजीज तरीन दोस्त जनाब अजहर अजमी साहब, अजहर हुसैन अजमी साहब की पहला मजमुआ कलाम कैफे अजमी के नाम से आज मार्केट में आ गया। मार्केट तो पहले आ गया, आज उसकी तकरीब पजीराई है। अजहर साहब से मेरी पहली मुलाकात जो बाकायदा मुलाकात हुई थी वो जुलाई 1996 की बात होगी। जुलाई 1996 में हमारी अजहर अजमी साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का जो सबब बने थे वो हमारे प्यारे दोस्त और हमारे सीनियर पार्टनर जनाब मोहम्मद अहमद साहब बने थे। बात ये थी कि हमने इंटरफ्लो छोड़ के, हम तो भाई इंटरफ्लो पे फिल्में बना लिया करते थे, तहरीर लिखना लिखाना नहीं आती थी, क्रिएटिविटी लिखना नहीं आती थी, तो उसके लिए हमें कोई माहिर जब भी किसी क्लाइंट के पास जाया करते थे तो क्लाइंट हमें कहता था यार आपको एक कॉन्सेप्ट लिख लाइए इसका, और कॉन्सेप्ट लिखने में हम बनाने में तो फिल्म बना लेने में कॉन्सेप्ट के एग्जीक्यूशन में तो माहिर थे, मगर कॉन्सेप्ट को लिखने में जरा सा हमारा हाथ रुकता था। तो मैनहट्टन पाकिस्तान लिमिटेड में जनाब अजहर अजमी साहब एक सीनियर कॉन्सेप्ट राइटर क्रिएटिव के मौजूद हुआ करते थे। अहमद साहब के ताल्लुकात मेरे ख्याल है पाकिस्तान में अगर उस जमाने में 18 करोड़ की आबादी थी तो अहमद साहब के ताल्लुकात शायद 17.5 करोड़ से तो थे। और हमेशा मैं अहमद साहब से ही कोई पूछा करता था यार अहमद ये कौन है, मतलब यार ये तो पता नहीं ब्लेडॉन के अंदर जो क्रिएटिविटी से होता तो कॉन्सेप्ट कॉपी लिखता है, अहमद साहब थक करके उसके बारे में हदूद पर बता दिया था। तो अहमद साहब ने ही हमने कहा यार अहमद साहब कोई एक ऐसा शख्स तलाश किया जाए जो हमें कॉन्सेप्ट लिख के देता रहा। अजहर अजमी साहब है मैनहट्टन पाकिस्तान के, ये वाला कॉन्सेप्ट ऊपर से देख रहे हैं उनका चल रहा है, हेड एंड शोल्डर का उनका चल रहा है, ये सारे उनके चल रहे हैं। मैंने कहा यार मिला दो अजहर अजमी साहब से। तो लो जी उस दिन दोपहर को शाम को 5 बजे अजहर साहब 5 बजे फारिग होते थे, तो वहाँ से 5:15 बजे अजहर अजमी साहब हमसे मुलाकात करने सभा पैलेस में हमारे ऑफिस 204 में एज अ फिल्म कंपनी में तशरीफ ले आए। और वो पहली मुलाकात अजहर साहब से हमारी बड़ा कई घंटे पर मुहित रही। और अजहर साहब की खूबी ये थी कि अजहर साहब को आप यहाँ लफ्ज बताते थे कि यार इस चीज का कॉन्सेप्ट है, आप उनको प्रॉपर जैसे क्लाइंट ब्रीफिंग देते हैं आप उनको ब्रीफिंग देते तो अजहर साहब थर्र करके छाप दिया करते थे पूरा कॉन्सेप्ट। एक दफा बड़ा मजा आया, हमारा एक क्लाइंट से बात हुई, बात क्या हुई, उन्होंने कहा जी हमें कमर्शियल बना, हम तो अप्रोच मारा करते थे ना कमर्शियल को, अप्रोच मारा हमने, हमने कहा कि जी ये एक कमर्शियल बनाना है आपकी प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट थी फलक राइस, मेटको राइस कॉर्पोरेशन वालों की फलक राइस उनकी प्रोडक्ट थी, तो हमने अप्रोच मारा कि हम आपको फलक राइस, उन्होंने कहा ठीक है कमर्शियल हम बनवा लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। मैंने कहा ब्रीफिंग क्या है, उन्होंने कहा जी ब्रीफिंग सिंपल सी यह है कि ये जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी ख्वातीन में खासतौर पर, दूसरी ये कि जो पड़ोस की ख्वातीन आके लगाई बुझाई करती रहती है ना घर के अंदर आके, उनकी बातें हमें वो चाहिए, उनकी बातें और वो लगाई बुझाई कर रहे हैं, और ये क्या सास के ताने, बहुओं को ताने के तो पकाना नहीं आता, और ये सब तीसरी चौथी सबसे अहम चीज ये है कि जी हैमरिंग हो, फलक की हैमरिंग हो, हैमरिंग नाम का मतलब होता है बार बार नाम आए फलक का, क्योंकि फलक राइस उनका ब्रांड था। अजहर साहब को हमने ब्रीफिंग दी, आज रात को हमने ब्रीफिंग दी कि कल सुबह मीटिंग करने जाना है, अजहर साहब को कॉन्सेप्ट दे दें। अजहर साहब अगले दिन कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत था, कमर्शियल बना और चला। वो कमर्शियल कॉन्सेप्ट था कि एक बहू घर में काम कर रही है, नई नवेली बहू काम कर रही है, किचन में पीछे से नजर आ रही है, और एक पड़ोसन आके बैठी हुई है, सास की लगाई बुझाई कर रही है, कह रही है ए बहू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया, सास के दिन का हाँ हर वक्त मिजाज फलक पर रहता है, जब पूछो क्या पकाओगी बोले फलक, पूछो जायका कहाँ से आएगा बोले फलक से, अब वो दिखाया गया लड़की काम कर रही है चलते फलक बासना दे रहा है साफ शफाफ और लंबा दाना, ना चुनने की जहमत ना बीनने की जहमत, बस कुछ देर भिगोया और पका लिया,
अब दिखा रहे हैं खाना खा रहे हैं, सब साथ भी खा रही हैं, वो प्रोसन भी खा रही हैं, बड़ा खुश हो रही हैं। तो वो कहती हैं, ए बहू रायका तो लाजवाब है। तो हंस के कहती हैं, बहू फलक से जो आया है। हंस के कहती हैं, फलक बासमती राई। हंस के कहती है, अब फलक से नीचे कौन उतरे। अब इसको बड़ा मजा, इसके कौन छोटा था मैं, अब फलक से नीचे कौन उतरे। अब ये लाइन बड़ी अदर था, लिख के ले आए थे कि अब फलक से नीचे कौन उतरे, बड़ी बात बात है। मगर ये कमर्शियल तो बयान हो गया, ये लाइन तो बात खराब हो गई, क्योंकि वो जो खातून थी जो मार्केटिंग डायरेक्टर थी वो इनकी मालिक भी थी, ओनर भी थी, और जावेद साहब की बेटी बेटी थी। ये कमर्शियल बहुत बड़ी, सब लोगों ने वाह वाह की वाह वाह, क्या बात है, क्या लाइन है। खासतौर पर जो प्रोडक्ट लाइन आपने बेस लाइन दी है फलक से नीचे, मोहसिन साहब ये लाइन को अच्छी दिख रही, फलक से नीचे कौन उतरे। मैंने क्यों, बहुत अच्छी लाइन है, फलक से नीचे कौन उतरे, हैमरिंग आपके प्रोडक्ट भी आ रही। कह रही फलक मेरी छोटी बहन का नाम है। तो कहने की क्या भी लाइन, तो बहरहाल अदर साहब ये हुआ करते थे, ठग करके हमें प्रोडक्ट भेजा करते थे। और इस तरह अदर साहब ने कमोबेश जहां तक मेरा अपना ख्याल है कोई हमारे लिए 300 से 400 कॉन्सेप्ट लिखे। और अदर साहब ये जो किताब आज आई है, ये अदर साहब, ये जिस जमाने में अदर साहब हमारे लिए कॉन्सेप्ट लिखा करते, एक पेपर लाते थे वहीं लिखते थे, वहीं देके चले जाते थे, इनको अपना कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अदर साहब कहते, अदर साहब आप इतनी चीजें लिखते हैं हमारे लिए, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप ले लो। अक्सर हमसे कह यार तो आपके लिए कॉन्सेप्ट लिखा है आपके पास में, अगर आप ये लिख लेते ना सर, आज आपके पास 500 सफे की किताब होती जो आप छाप लेते कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। तो ये है अदर साहब, आज तक अदर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 28 साल से रफाकत हमारी वाबस्ता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे अगले आने वाले 28 सालों तक भी रहे। तो हमें अदर साहब की किताब पे बड़ी मुबारकबाद आज अदर साहब की, और मैं स्पेशली इसलिए आया कि आज अदर साहब से 10 by 10 किताब उनकी हासिल करूँ, और अल्लाह ताला जोर कलम करे और ज्यादा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, कमर्शियल्स बनाता हूँ, टेलीफिल्म्स बनाता हूँ। अजहर साहब की आज जो ये तकरीब पजीराई है कैफे आजमी के हवाले से, एज ए फिल्म मेकर मैं तो इसको ये समझता हूँ कि हम एक प्रीमियर पे आए हैं। आज उनकी फिल्म लॉन्च हो रही है, बल्कि हो क्या रही है, इससे पहले जो टीज़र और ट्रेलर चले हैं उसमें ही उसने तकरीबन खिड़की तोड़ हफ्ता तो मना लिया है, और बाकायदा मार्केट में आने से पहले शायद मोर देन 50% किताबें जो हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इसके इस तालियों के मुस्तहिक हैं इस बात पर कि बाकायदा आने से पहले जो है। अच्छा, बिल्कुल एक फिल्म मेकर की तरह, प्रोड्यूसर की तरह, एक डायरेक्टर की तरह फिल्म स्क्रीन पर जाने से पहले हर शख्स, ख़ास तौर पर जो इसका फाइनेंस लगा होता है, जिसकी मेहनत लगी होती है, वो खौफजदा भी होता है। लेकिन शायद इस सिलसिले में अजहर साहब खुशकिस्मत हैं कि इनकी बाकायदा मार्केट में आने से पहले किताब कामयाब हो चुकी है। जिस तरह के रिव्यूज़ मैं और आप पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो काबिल सताइश हैं और काबिल तारीफ हैं। तो एक चीज़ ये भी कही जाती है, जब मैं आर्ट्स काउंसिल में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की किताब की तकरीब रहनुमाई अटेंड कर रहा था, शहर यारा जो थी, कि जी किताब का जो दूल्हा है वो मुसन्निफ होता है। तो मुश्ताक साहब उस पर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते थे और कहते थे कि भाई ये दूल्हा बनने की जो ख्वाहिश है ना, वो हर वक्त हर मर्द में जवान और ताज़ा रहती है। तो इस किताब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, चूँकि पढ़ने वाले बहुत हैं, इस किताब में बहुत सारे मजामीन, बल्कि मजामीन ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन और शरीक हयात के हवाले से, कि आप घर में कम अज़ कम बावाज़ बुलंद नहीं पढ़ सकते। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसमें से एक चीज आपको पढ़ के सुना सकता हूं। कहते हैं शोहर बहुत सखील कल्ब और बीवी शकील कल्ब होती है, दिल की बस भरी हो तो
शोहर औरतों के लिए जगह निकाल ही लेता है। बीवी किसी दूसरी औरत को शोहर के पास देखे तो दस्त बर्दाश्ता हो जाती है। बीवी को कुदरत ने शक करने की अजीब सलाहियत से नवाजा है। वो शोहर की आंख की पुतली को देखकर उसका सारा पुतली तमाशा अक्स और रक्स दोनों बंद कर लेती है। शोहर सुनगुन हो जाए तो बहुत प्यार से कहता है, तुम तो बेकार में शक कर रही हो। बीवी कहती है, तुम भी बेकार में मेहनत कर रहे हो। हकीकत यह है कि औरत का शक कभी बेकार नहीं जाता। सही तो सच, और अगर नहीं तो आगे चल कर बच। शक हर बीवी का निकाही हक है, इसलिए वो शोहर को जिंदगी भर आजमाइशी मुद्दत में रखती है। बीवी के मिजाज में इतना शक होता है कि वो शुक्रगुजार को भी शक गुजार पड़ती है। शक से यकीन ना उठे, शोहर बीवी को मोहब्बत से देखे तो भी शक में पड़ जाती है। अच्छा तो ये रिहर्सल हो रही है। बीवी तो अपने मरने के बाद भी जनाजा ले जाने तक गली की औरतों को देख रही होती है। एक साहब की बीवी सुधार गई, गमजदा शोहर आगे कंधा दिए चल रहे थे। मोहल्ले की एक अधेड़ उम्र कुंवारी औरत ये मंजर देख रही थी। मरी बीवी ने फौरन शोहर से कहा, जरा कान इधर लाना, अब इसी से ब्याह करना, वरना मेरा अपने शक से यकीन उठ जाएगा। बहुत शुक्रिया। अदर साहब से मेरा तारुफ तो नहीं था, और किताब के एड्रेस था लाहौर का, तो पहले मैंने सोचा कि ये लाहौर के। जब पहला मजमून पढ़ा इनका मैंने, खानदान थे जो पान, तो एहसास हुआ कि ये हमारे लखनऊ के बुजुर्ग हैं। और फिर जब इनका वो रेडियो पे इंटरव्यू आया तो फिर अनुमत हो गई। तो इसमें जो मजमून तो मुझे पसंद जो आए थे वो, एक तो खानदान तो पानदान थे, दूसरा गदोड़े, और तीसरी जो मजमून था आपका वो आदत वाला। लेकिन जो पेड़ में पढ़ूंगा वो है मर मर्द मुर्दा। मर्द औरतों की जीत में फर्क दाल और दलील का है। औरत दाल ना गलने पे और मर्द दलील ना होने पे हार मान लेता है। मर्द हार जाए तो खामोश हो जाता है, औरत हार जाए तो ज्यादा शोर मचाती है। आप जितनी औरतों को चीखते चिल्लाते देखें तो समझे कि वो हार चुकी है, अब इसका बाबता ऐलान कर रही है। मर्द किसी से मिले तो सलाम दुआ करता है, औरत मिले तो पहले तफसीरा करती है। सूट तो बहुत अच्छा पहना है, दिल में कहती है लेकिन अच्छी नहीं लग रही हो। मर्द मिलने वाले से हाल अहवाल पूछता है, औरत पहला सवाल यही करती है, कैसे आना हुआ। मर्द की पूरी गुफ्तगू आप सुन सकते हैं, लेकिन औरत की गुफ्तगू में 4-5 सेकंड का वक्फा आता है और आप समझते कि बात अधूरी रह गई। औरत काम की बात हमेशा हाथ के इशारे से करती है, और फिर 4-5 सेकंड के ड्रामाई वक्फे के बाद एकदम आवाज आती है, अल्लाह ही जानता हम तो कुछ नहीं कहते। किसी की गीबत करना अच्छा थोड़ी है, दुनिया की सारी औरतें गीबत को तबसरे के खाने में रखती हैं। मर्द किसी तकरीब में जाए तो मिलने वाला ढूंढता है, औरत सबसे पहले खड़े उन्हें देखती है, जिन्हें देख के वो खड़ी खड़ी जलती है। मर्द जिससे बात करे दुआ गुफ्तगु से किसी के हाथ तरफ देखता है, औरत जिससे बात कर रही है इसके अलावा हाथ तरफ देखती है। मर्द देख कर खाना खाता है, औरत इधर उधर देख कर खाना खाती है। मर्द का ध्यान अपनी प्लेट पर जबकि औरत का दूसरे की प्लेट पर प्लेट की तरफ, ताकि बाद में सब प्लेट अजबाम कर सके। मर्द दांतों से खाना चबाता है जबकि औरत की पूरी कोशिश होती है कि होंठों से दांतों का काम लेके खाना चबा ले। यही वजह है कि दावत के अगले दिन औरतें खाने को इल्जाम दे रही होती हैं, पता नहीं क्या पकाया था, वैसे का वैसा पेट में रखा है, हजम ही नहीं हुआ। औरत की पेट की बदनजमी पूरी तकलीफ की बदनजमी के तौर पे गाई जाती है। शुक्रिया। और मैंने थोड़ा सा तबसरा लिखा था इस किताब पर फेसबुक पर, तो वही पेश कर देता हूँ मुख्तसर। उन्वान था इसका, ना मिलाकर उदास लोगों से। नासिर काजमी तो तलकिन कर गए थे, लेकिन क्या करें कि उदासी हर सू बाल खोले सो रही है। लोग खुश हो तो क्यों कर हो, मुस्कुराएं तो कैसे मुस्कुराएं।
इस गम व अंबोह के बोझ तले जब जंग व जदल के बादल छाए हों, गम दौरा में मुब्तला लोग, महंगाई के मारे लोग। अजहर भाई से फेसबुक के जरिए ही शनासाई हुई, लेकिन उनसे पहली मुलाकात भी एक गमी के मौके पर हुई थी, जब वकील अब्बास जाफरी साहब के बड़े भाई के इंतकाल पर हम पहुंचे थे। उनकी तहरीरों से तो हम शनासा हो चुके थे, लेकिन उनसे पहली मुलाकात में कतई ये अंदाजा नहीं हो पाया कि बज़ाहिर एक संजीदा चेहरे के पीछे एक ऐसा नबाज है जो हालात हाजरा, समाजी खानदानी और माशरती पहलुओं पर गहरी नजर रखता है। रोजमर्रा बोलचाल और आम घरेलू बातों के बीच से मिजाज के वो पहलू निकाल लेता है जिस पर सिवाय हंसने के और कुछ नहीं किया जा सकता। मिसालें तो आपने इनकी तहरीरों में देख ली होंगी, क्योंकि वो इतनी बार यार लोगों ने बगैर उनके नाम के आगे शेयर की हैं कि शायद अजहर भाई भी इस मखमसे का शिकार हो गए होंगे कि क्या ये बाकी ये तहरीर मेरी है। इससे पहले कि इनके तमाम मजामीन इनसे छिन जाते, उन्होंने बरवक्त इनको शाया करवा दिया, वरना ये जालिम समाज इनकी महबूबा यानी इनकी तहरीरों को उनसे जुदा कर देता। इब्ने इंशा की चलते हो तो चीन के चलिए हमारे कुतुबखाने की अव्वलीन किताबों में से एक है। जब किताबों में इजाफा हुआ होना शुरू हुआ तो फिर इंशा जी के साथ सारी दूसरी किताबें कर्नल मोहम्मद खान से लेकर यूसफी साहब और कितने ही मिजा निगारों की किताबें हमारे कुतुबखाने का हिस्सा बनती गईं। हमको ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि इस वक्त मिजा निगारों में अजहर हुसैन आज़मी का अपना एक मकाम बन चुका है और उनकी किताब कैफे आज़मी इन तमाम बड़े मिजा निगारों की किताबों के साथ बड़ी शान से रखी जाएगी, क्योंकि इनकी किताब का ये हक है कि इसको शाया निशान इन किताबों के साथ रखा जाए। अजहर हुसैन आज़मी बज़ाहिर हैं तो मुनहनी से, लेकिन यकीन जाने कि इनकी तहरीरों से हंसी का गोलगप्पा, इनकी तहरीरें ऐसी हैं कि हंसी का गोलगप्पा हैं। बकौल इनके किसी भी वक्त आमद होती है और वो कुछ ही देर में एक अदद मजमून फेसबुक पर शेयर कर देते हैं। मजमून लिखने के साथ उसकी पढ़ंत भी इंतहाई अहम होती है कि आवाज़ का जीरो बम, पंच लाइन, ठहराव, सामीन से तखातुब, तभी जाकर आप हाजरीन और सामीन की तवज्जा हासिल कर सकते हैं। मिजा लिखना कोई आसान काम नहीं है और अजहर हुसैन आज़मी इस फन में यद तूला रखते हैं। उसकी वजह इनकी शोभा एडवर्टाइजिंग से तवील रफाकत है। इस दौर में जब हंसना हंसाना मुश्किल अम्र हो गया है, ये बात बाइस हैरत है कि इस किताब के मुसन्निफ अजहर हुसैन आज़मी अपनी उंगलियों की जुम्बिश से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। उंगलियों की जुम्बिश इसलिए लिखना पड़ रहा है कि अब मोबाइल फोन ने कलम को भी किसी हद तक सुबुकदोश कर दिया है। दुआ है कि इनकी तहरीर यूं ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती रहे। इस दौर में इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है। अजहर हुसैन आज़मी की जिंदगी में खुशियों और शादमानियों की दुआ करते हैं, सबको हंसाने वाला कभी उदास ना हो। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजहर हुसैन आज़मी साहब और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी है कि मैं अपना तारुफ करवाऊँ। क्या बताएं जो कोई हमसे तारुफ मांगे, हम तेरे हुस्न की दरगाह में क्या बेचते हैं। दिल का सौदा तो नहीं जिसका खरीदार कोई जहाँ का, दिल का सौदा के नहीं जिसका खरीदार कोई, और क्या उस शाक की जान ले के टले। बहरहाल तो मुख्तसर, हुसैन मजरू मेरा नाम है। बड़े सगीर का जो कदीम तरीन अदबी अदारा है हल्का अरबाद लोग, उसका तीन मरतबा मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, और बड़े सगीर ही का कोई एक सदी पुराना जो अदबी जरीदा है अदब लतीफ़, उसका वज़ीर-ए-आला रहा हूँ। आजकल साहिबान के नाम से सेमाही निकाल रहा हूँ, और इसी नाम से जो है वो एक हमा जहत अदबी तहरीक जो है उसका मैंने टोल डाला हुआ है, और इसी सिलसिले में कराची आना हुआ था तो आज़मी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ नशिस्त होती है। तो सच्ची बात है, मैं वो मुँह दिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी भर अदब की दशनवर्ती में गुजारी है। एक खुशगवार हैरत मुझे आपके यहाँ आके हुई, वो ये कि यहाँ सिक्का बंद अदबी चेहरों के बरअक्स
एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अदब से एक तालिब इल्माना इश्तियाक और इंसलाक रखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये रवायत बहुत खुश आइंद है, वरना हमारे यहाँ अब चलन ये हो गया हुआ है कि लिखने वाले अपना खुद ही पढ़ते हैं, दूसरों का तो पढ़ते ही नहीं है। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो गैर लुगाती मानों में अदीब नहीं है या उस तरह जो है वो सिक्का बन जो है वो अदब के लोग नहीं है, यहाँ बेशतर लोग वो जो हैं जो तालिब इल्माना इश्तियाक और इंसलाक रखते हैं अदब से, और मैं समझता हूँ यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अदब को जितना लिखने वालों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पढ़ने वालों की जरूरत है, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि हम सफों के सफे काले किए देते हैं, किताबों के अंबार लगाए रखते हैं, और संजीदगी से ना हमारे जो है इल्मी अदबी अदारों ने ये काम किया और ना हमारे अदीबों शायरों ने काम किया है कि वो अदब की नई नर्सरी की पैदाख करें, वो लोग जो नए पढ़ने वाले हैं। आखिर ये एक बड़ा कलीदी सवाल है कि हम लिखने वालों का मुखातिब कौन है, और ये आज के यहाँ आपके यहाँ ये मतलब इस तरह के लोग जो बड़े इश्तियाक के साथ लफ्ज़ो ख्याल की एक नशिस्त में है, एक तकरीब में बैठे हुए हैं, और मुझे इल्म हुआ है कि आप लोग बाकायदगी से जो है इस हवाले से बैठते हैं, तो ये नहायत खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ इस सिलसिले को दराज होना चाहिए, इस सिलसिले को इस शहर में भी फैलना चाहिए, मुल्क भर में फैलना चाहिए, इसलिए कि अगर कारीन नहीं होंगे तो फिर आपका लिखा हुआ लफ्ज़ जो है वो तारीख के कब्रिस्तान में ही दफन होगा या वक्त के कूड़ेदान में दफन होगा। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि नौजवानों की और जो है वो सिक्का बनमानों में जो अदब से मुंसलिक लोग ने उनसे हट के ऐसे लोग जहाँ लफ्ज़ो ख्याल के हवाले से जमा हुए हैं कि जो कुछ सीखना भी चाहते हैं और जिनके अंदर जो है एक ललक है लफ्ज़ो ख्याल के साथ वाबस्तगी की। सो इन कलमात के साथ ये किताब जो है वो मतलब मैंने ऐसे यूँ ही आके देखी है, उसके मौजूदात के बारे में और उसकी कुछ तहरीरों के बारे में वो तो सरसरी बात करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये किताब तंज मिजाज से इलाका रखती है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे यहाँ तंज मिजाज की रवायत है और उसमें जो धारे हैं और आलमी सतह पर तंज अदब की जो रवायत है उसके बारे में कुछ अजमाली गुफ्तगु जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सीखने सिखाने का अमल है। उर्दू अदब में तंज मिजाज के बारे में दो तीन धारे हमेशा से रहे हैं। एक वो धारा जिसके पेशे नज़र तंज व मिजाज जो है वो महज तफरीह तलबी का नाम था और महज जो है वो तबीयत को बिछाशत देने का नाम था और उसके अलावा उसका कोई संजीदा मकसद नहीं था। एक धारा वो था जिसने तंज व मिजाज को जिंदगी की संगलाख हकीकतों को समझने का और उनके से एक गहरी इल्मी फिक्री और समाजियाती जो है वो मानवीयत पैदा करने का सलीका इख्तियार किया, और एक वो धारा है जो लफ्जों की तोड़फोड़ के जरिए जिसको अंग्रेजी में पनिंग कहते हैं और जुमलों की तोड़फोड़ के जरिए मैं एक मजहब कैफियत पैदा करने वालों का है। इन तीनों धारों में ज़ाहिर अफजल तीन धारा तो वो है जो तंज मिजाज को एक टूल के तौर पर एक जरिया इजहार के तौर पर जो है वो जिंदगी की ताबीर नौ का काम लेने का करता है। उसमें हमारे यहाँ जो है वो मुश्ताक यूसी जो हमारे यहाँ का एक बड़ा नाम है जिन्होंने तंज मिजाज को वसीला बनाया, लेकिन तंज मिजाज के लासे उन्होंने जिंदगी के बहुत सारे उलूम व फ़नून और जिंदगी की बहुत सारी ऐसी गहराइयों और गहराइयों से अपने पढ़ने वालों को आशना किया कि जहाँ हमें अंदाज़ा हुआ कि तंज मिजाज महज जो है गुदगुदी करने का यहाँ से हंसाने का नाम नहीं, बल्कि इसके जरिए हम जिंदगी की एक नई मानी आफरीनी और नई बादशाह जो है उसमें भी अपने आप को मुबतला कर सकती है। फिर एक वो रवैया है जिसमें तंज मिजाज जो है किसी क्वाइनिंग के जरिए या किसी शौरी कोशिश के जरिए नहीं बल्कि एक बेसाख्तापन और एक बफूर के साथ आती है, जिसके नुमाया तरीन लोग पतरस हैं, जिसके नुमाया तरीन लोग जो हैं वो इब्न इंशा हैं, और तंज में इसमें इस बात के इमाम जो हैं वो अकबर अलाबादी हैं। एक वो रवायत है जो हमारे यहाँ मुशायराती तौर पर पहुंची है कि वो मुशायरे में, और ये सबसे पस्त तरीन रवायत है कि हमारे यहाँ इल्ला माशाल्लाह तंज मिजाज के नाम पर जो मुशायराती सरगर्मी हो रही है उसने तंज मिजाज की जो तकद्दस है उसको भी सुनलाया है,
और तंगे मिजाज जो है उसको अदब के एक संजीदा जो है कारनामे के तौर पर जो है धुंधा भी दिया है, इसलिए कि मैं नहीं समझता हूँ कि तंज मिजाज का वाहिद मकसद जो है वो हंसना हंसाना है। नहीं, तंज मिजाज जो है वो जिंदगी की हकीकतों को समझने का एक और खिड़की खोलता है आपके अंदर, आपकी तहजीब नफ्स करता है। तो इस वक्त तो तंज मिजाज के ऊपर बड़ा पैगंबरी वक्त पड़ा हुआ है कि लोगों ने महज फकड़पन को और पनिन को और महज जो है वो जुमलेबाजी को तंज मिजाज समझ लिया है। जब इस किताब का मैंने सरसी मुतालिया यहाँ किया तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई कि वो जो एक कबूल आम की तंज मिजाज की रवायत है, अज़र हुसैन अज़मी साहब ने तंज मिजाज को एक दर्जा तकदीस के साथ देखा है और एक संजीदा तालिब इल्माना दानिशवरी की रवायत के साथ इन्होंने तंज मिजाज के जरिए अपने मजामीन को किया। अब इनके जो मौजूआत हैं वो मौजूआत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मौजूआत हैं, लेकिन इन्होंने जो ज़ुबान बरती है उस जुबान में इन्होंने जो है वो जो कैफियात पैदा की हैं और इन्होंने जो एक हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार करके हमारी सोचों को जो महमेज किया है वो इनका बड़ा कारनामा है। और मैं ये समझता हूँ ये किताब अपने मौजूआत के एतबार से, अपने तनवों के एतबार से, अपने मतन और मवाद के एतबार से और ये किताब इस जवाल आमादा तंज व मिजाज की जो सूरत हाल है उसमें एक ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर ली जानी चाहिए कि इन्होंने पूरी संजीदगी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ तंज व मिजाज की मिटी हुई रवायत को इन्होंने नए सिरे से ताज़ा किया और इतने हल्के फुल्के अंदाज में किया है कि कारी जो है वो महज इसकी बोझलता से भाग ना जाए, बल्कि ये किताब ये सलाहियत रखती है और इसका किताब के मज़ामीन ये सलाहियत रखते हैं कि आप एक बार इसे पकड़ लें तो इसे छोड़ने को जी ना चाहें। तो मैं समझता हूँ ये इस किताब की कामयाबी है। इसके जो मौजूदात है ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने बात कर ली, कुछ लोग शायद और भी करना चाहें, तो मैं ये समझता हूँ उसके ज़्यादा महल नहीं है, वरना मैंने कुछ इक्तबासात भी इसमें से नोट किए थे, कुछ जुमले भी नोट किए थे, लेकिन इसमें जिस तरह के मौजूदात अच्छा है। और आखिरी बात मैं करूँगा, हमारे यहाँ तंज व मिजाज को महदूद कर दिया गया है सास और बहू के झगड़े तक, और वो आइली मसाइल जो है वो घरों के अंदर जो पुख्तपज हो रही होती है रिश्तों के दरमियान मुनाक्षत थी, इन्होंने तंज व मिजाज के हीले और हवाले से जिंदगी को पूरी आंख से देखा और इनके मौजूदात में घर की जिंदगी से बाहर पूरी जिंदगी का एक आईना खाना है जिसमें जो है वो जुबान भी है, लुगत भी है, ग्लोबल विलेज का भी बाजरा है, जिसमें दफ्तरियत भी है, जिसमें बहुत सारे और हैं। सो इन्होंने अपनी इस किताब के नाते और अपनी इन तहरीरों के नाते हमें एक ऐसा आईना खाना फराहम किया है जहां हम हल्के फुल्के अंदाज में और ज्यादा जो है वो तरद्दुद किए बगैर हम जिंदगी की संगलाख हकीकतों को जान भी सकते हैं और अपने जो नाहमवार रवैये हैं और नाकाबले बर्दाश्त रवैये हैं हमारे रोजमर्रा जिंदगी में उनके जरिए हम इस्लाहे अहवाल का काम भी ले सकते हैं। सो इन्होंने मुबल्लग हुए बगैर, इन्होंने अपने आप को मुसल्लत किए बगैर कारी के, इन्होंने जो है एक ऐसा काम अंजाम दिया है जो एक तख्लीकी फनकारी कर सकता है, और मैं इस किताब के इशारे पर इन्हें के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ बस किस्मत मुझे यहाँ ले आई, बहुत अच्छा लगा, सब अच्छे लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं और अच्छे लोग ही हमारा सासा होते हैं, सरमाया होते हैं, क्योंकि यूं तो हम बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं लेकिन लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात है कि राइटर के हवाले से, मुसन्निफ़ के हवाले से पहले ही मेरा तारुफ है, पहले ही मैं आज ही मिली हूँ, तो जो सुना वो बहुत अच्छा लगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी को बहुत पढ़ा, ज़िया मोहिद्दीन साहब मेरे उस्तादों में रहे, अच्छे अच्छे लोग वैसे भी उन लोगों का साथ रहा अदब से, अगरचे मैं अहले ज़बान नहीं हूँ मगर फिर भी मुझे खुशी होती है कि जब मैं बैठती हूँ अहले ज़बान के साथ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आइंदा जब अगर इंशाल्लाह किस्मत लिया यावरी की और मैं यहाँ आई तो ज़रूर कुछ पढ़कर और कुछ लेकर आऊँगी, पर आज मेरे पास अहमद फराज़ की बुक है, ये भी मुझे अहमद फराज़ साहब के बेटे ने दी थी, किसी शेर को सुनाने पर ज़िया साहब की महफिल में मौजूद थी तो वहाँ मुझे मिली थी, तो मैं उसी में से एक छोटी सी नज़्म आपकी गोश गुजार करती हूँ। आप सब ने पहले भी बहुत सुनी होगी और अक्सर शाम को गीत और गज़ल के प्रोग्राम में लोगों की फरमाइश होती है मेरे पास, कभी आसिफ मेहदी साहब की आवाज़ में होती है, कभी मेहदी हसन साहब की आवाज़ में होती है, तो वही मैं आपको पढ़ देती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं,
सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शुगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शुगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर कर देखते हैं, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, इस हौसला अफजाई का भी बहुत शुक्रिया। नसरीन निसार अहमद। अस्सलामु अलैकुम तमाम अहबाब, ये पहली दफ़ा है जो मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, और अज़हर हुसैन साहब के बारे में हम क्या कहें, अज़हर अज़मी साहब के बारे में, इनको देख के लगता नहीं है कि ये मिज़ाह इतना अच्छा लिख सकेंगे, और लिख रहे हैं माशाल्लाह से। तो इसके बारे में मुझे एक वो मुहावरा याद आता है कि शक्ल मोमिनाते तो बहरहाल बहुत अच्छे इनके जुमले हैं, जुमलों की काट बड़ी ज़बरदस्त है जो मैं अब तक पढ़ती आ रही हूँ, और इनका पानदान जो मुझे बहुत अच्छा लगा था उससे मुतासर होकर मैंने भी एक पानदान पर लिखा। तो मतलब इनकी तहरीरें लाजवाब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी किताब मैंने अभी मुताला नहीं की है, लेकिन जब मैं करूँगी तो फिर इंशाल्लाह अपनी राय इस पर ज़रूर पेश करूँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो अज़हर साहब आपको, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत मुबारक हो इस किताब के लिए, आप भी साहिब किताब। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरी आवाज़ गालिबन आज भर्रा रही है, क्योंकि वजह यह है कि मैंने पहली मरतबा इतने सारे लोगों को अपनी तारीफ करते हुए देखा है, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अपने वलीमे के बाद पहली मरतबा मैंने देखा है कि इतने सारे लोग मुझे एक साथ देख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आज मेरा इरादा मजमून पढ़ने का था, लेकिन जो तकरीर हुई और जो बातें की गई, आप यूँ समझिए कि मेरे लिए गैर मुतवक्को हैं, और मैं समझता हूँ कि ये किताब बुनियादी तौर पर ये किताब है कैसे में, ये किताब उर्फ़ बिलाद की किताब है, ये किताब उर्फ़ बिलाद की किताब है, ये किताब अदब शनास की किताब है। अगर मैं उर्फ़ बिलाद में नहीं जाता, जावेद अहमद जाग साहब नहीं मिलते मुझे, मैं अदब शनास में नहीं आता, अदब शनास में नहीं आता, मज़ामीन कैसे पढ़ता। तो अगर आप मुझसे पूछें तो अगर ये 50% मेरी है तो 50% आप लोगों की किताब है। आप लोगों ने मुझे सराहा, मेरी हौसला अफजाई की, तो ये किताब आई। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट ना करते, अगर आप लोग मुझे हौसला अफजाई ना करते, तो मैं शायद किताब लेके नहीं आता। फर्जीन ले रहे हैं मौजूद नहीं है, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अहमद साहब हैं, मोहसिन नज़मी साहब हैं, रमज़ान बलोच साहब हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बलोच साहब का कि उन्होंने बड़ी मेरी रहनुमाई की है। इकबाल भाई तो हमारे यहाँ चीफ साहब हैं, उनके मुताबिक कुछ कहना बिल्कुल सूरज कुछ तलाब दिखाने के मुतरदफ है। अगर आप कहेंगे, मुझे अभी मुसलसल खवातीन की जानिब से ये एहसास दिलाया गया कि आप खवातीन बहुत दिखते हैं, तो ज़रा हाथ खोला रखें, ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे मजामीन हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, आप नोट कीजिएगा, खवातीन देखते खवातीन को हैं, मर्द देखते खवातीन को हैं, यही है ना। इस किताब में यकीन कीजिए आप, 43 मजमून है, इसमें मोर देन 50% मजमून नॉन वुमेन है, लेकिन पढ़े वो घंटे सिर्फ वुमेन है। मैं गलत नहीं कह रहा था, दौड़े बाज आए ऐसी आदत से
जेनिसीमिया, मुझे मतलब अच्छा लगता है, मुझे तनकीद होनी चाहिए। अब मैं आपको एक मजमून सुना रहा हूँ, मुमकिन है शायद आप लोगों के जहन में ना हो, लेकिन मैं वो गिला दूर करना चाहता हूँ कि जो आज खबर इनको है, और मैं तो बहुत खुश भी हूँ क्योंकि ये गिला करना अच्छी बात है, इससे आपके यकीनी बात है, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे खवातीन पढ़ती है, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं खवातीन को। अब देखिए मैं आपसे कहूँ, आपने सुना होगा तीन मर्द तीन औरतें तीन कहानियां, मैं बताऊं तीन मर्द कई कहानियां हैं, हमारे माशरे में तीन मर्द कई कहानियां हैं। अब यार कोई सोचिएगा कि हमारे यहां दामादों का बड़ा मसला है ना, अब वो दामाद तीन तरह के होते हैं, बहनोई, पप्पा, खालू, ये तीनों बने तौर पर दामाद हैं, ठीक है। आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर एकदम फिजा में अजब खामोशी छा जाएगी, या फिर हल्की हल्की खुसुर खुसुर शुरू हो जाएगी। ये सब ऐसे मौके पर होगा कि जब तकरीब के इंतहाई अहम लम्हात चल रहे होंगे, दूल्हा के सेहरा बनने वाला होगा, निकाह फॉर्म पर दस्तखत हो रहे होंगे, या बारात रवानगी के लिए तैयार होगी, या फिर वलीमे के दिन दूल्हा दुल्हन के साथ वीडियो बन रही होगी। जिस तरह हमारे माशरे में तीन औरतें तीन कहानियां हैं, इसी तरह हमारे माशरे में तीन मर्द कई कहानियां हैं। ये तीन मर्द बुनियादी तौर पर दामाद ही होते हैं, लेकिन रिश्ते के एतबार से बहनोई, पप्पा और खालू कहलाते हैं। ऐन वक्त पर उम्र इनकी जितनी भी हो जाए, लेकिन फजीदा करने में हमेशा जवान रहते हैं। ऐन वक्त पर बैठे बिठाए वो टंका खड़ा करते हैं कि दूर के रिश्तेदारों के कान और घर वाले अपनी एड़ियों पर खड़े हो जाते हैं। वो नुक्ते निकालते हैं कि बड़े से बड़ा नुक्ता की भी चीवा जमी हो जाए। बहन, पुप्पी और खाला पूरी शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा इन पर नजर रखती है। अब ये अलग बात है कि इनकी नजरें कहीं और होती हैं, और जवाब झगड़े के लिए बहाने ढूंढ रहा होता है। मौके की ताक में ताक होते हैं। अगर ये त्रिकोण कहीं जमा हो जाए तो घर वालों के हाथ पांव भूल जाते हैं, सब इन्हें हाथों हाथ लेते हैं मगर ये हाथों से निकले चले जाते हैं। ये साथ बैठे पाए जाएं तो घर वालों का दम निकलने लगता है, साफ लगता है ये तकलीफ के विलन है। अब देखते हैं बहनों को, अभी बारात गई नहीं है, बाराती घर पर आना शुरू हुए हैं, बहन पार्डल से मेकअप करा के लौटी है कि बहनों ने तबले रवानगी बजा दिया। बहनोई, मैंने कह दिया बस बहुत हो गई शादीवादी, सीधा साउंड खाओ और घर चलो। बहन, क्या हो गया, सब तो इतना पूछ रहे थे आपको। बहनोई, तुम मुझसे पूछना कहती हो, मेहमानों ने सबको मिलवाया, मैं सामने खड़ा था, जहमत नहीं थी किसी मिलवाने की, अब अगर मैं इतना ही बुरा था तो शादी क्यों की। शादी के वक्त तुम्हारे अब्बा ने हमारा सजदा ऐसे खोला था जैसे मैं कोई फिरौन की मम्मी हूं। बहन, शादी का घर है अब्बू भैया, ऐसे तो नहीं है, मैं भी पूछ लेती हूँ। बहन भाई, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, नहीं पूछते तो ना पूछे, वो तो जब तुम और मैं बारात में नहीं होंगे तो फिर लोग पूछेंगे तो पता चलेगा कि हुआ क्या। बहन, देखें इस वक्त ये सब ना करें, अब्बा वैसे भी दिल के मरीज है। बहन भाई, क्योंकि मैं बगैर दिल का हूं, मेरे को जज्बात नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। बहन, अच्छा बस इस वक्त खामोश रहे, कल मेरा वादा है सबके सामने एक एक को वो सुनाऊंगी कि। बहनोई, कैसे खामोश रहूं, बेइज्जती अभी हुई है, बात भी अभी होगी, तुम्हारी बात भी क्या हो, अरे बात भी क्या होगी, तुम मेरे साथ घर चलो। बहनोई ने अपनी सी कर दी, अब दूल्हा को अब्बा को दूल्हा से ज्यादा दामाद की फिक्र है। भाई दूल्हा से ज्यादा बकरी बना दूल्हा भाई को मनाने में लगा हुआ है। दूल्हा के सेरा बन गया, सब बारात लेकर जाने वाले हैं, फूफी अपनी शादी का गरारा सूट ऑल्टर करा के खुद को नई नवेली दुल्हन समझ रही है, मगर उधर पप्पा विलन बने खड़े हैं। पप्पा क्योंकि पुराने चावल हैं इसलिए झगड़े की देख को हल्के हल्के दम देते हैं। पप्पा, एक बात बताओ, तुम्हारी हमारी शादी कितना अच्छा हो गया, तुम्हारे घर वालों ने दिल से कबूल नहीं किया। फूफी, निकाल ले कोई फसाद की बात, मेरा माता तो सुबह से ठनक रहा था। पप्पा, माता ठनके या ठुमके बात उसूल की है, अभी तुम्हारे भतीजे की सेहराबंदी हुई, मैंने देखा क्या हुआ। पप्पी, क्यों ऐसा क्या हुआ। पप्पा, अच्छा अब ये भी हम बताएंगे क्या हुआ, सेहरा किसने बांधा। पप्पी, भैया के दामाद राहत ने और किसने। पप्पा, पहले तो सारे सेहरे हमसे बनवाए गए, अब के हमारे हाथों में कांटे निकल आए हैं,
तो भतीजे के सर के सेरे, जो भतीजे के सेरे हुए हुए लगा दिए कुप्पी। माशाल्लाह, भाई का दामाद सलामत रहे, जब तक वो ना था तो आप खानदान के दामाद थे। कुप्पा, यही तो बताने वाली बात है, अगर वो दामाद है तो क्या मर गए हैं? सेरा ना बनवाते, हाथ ही लगवा लेते। क्या मेरे हाथ लगाने से तलाक हो जाती? तुम खुद गवाह हो, जिसके मैंने सेरा बांधा, चार चार बच्चों को बाप बना। कुप्पी, उस पर खुदा का खौफ करें, कैसी बदशगुनी की बातें कर रहे हैं तलाक की। पप्पा, ये बदशगुनी नहीं कर रहा, जिस खानदान में इस तरह की तुरजश्मी हो और नए के बाद पुराने को मुंह न लगाए, ऐसे में कफीर अहमद शिरकत को जरिए समझता है। खालू बड़ा काहिया होता है, वो जानता है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है। खालू बड़ा काहिया होता है, वो जानता है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, इसलिए बहुत एहतियात से वक्त पड़ने पर वक्त डालता है। ये ऐसा एटम बम है जो एन वक्त पर फटता है। वैसे तो पूरी शादी में खामोश तमाशा ही बना रहता है, लेकिन वलीमे वाले रोज जब आखिर में फोटो सेशन हो रहा हो तो एक तमाशा कर देता है। इससे इससे आवाज आती है, अरे रशीद खालू कहाँ है? रशीद खालू खामोशी से सबसे आखिरी वाली कुर्सी पर कम अंधेरे में सिमटे बैठे होते हैं। बहुत आवाजों पर भी नहीं आते तो घर का कोई फल बुलाने आता है। खालू मीठे तंज का रूह अफजा और रूह फर्जा जुमले का कमाल रखते हैं। किसी के बुलाने पर नहीं आते तो उनकी समरी ब्यूटी क्वीन बड़ी खाला आती हैं, अपने हवा में होती हैं। पानी पी लो, किसी के बुलाने पर नहीं आते तो उनकी सजी समरी ब्यूटी क्वीन बनी खाला उड़ाती हैं, अपनी हवा में होती हैं, लेकिन खालू उनकी हवा निकाल देते हैं। खाला, ये आपको क्या हो गया है, सब इतने प्यार से बुला रहे हैं। खालू, पूरी शादी में कुत्ता बना के रखा था, अब प्यार से बुला रहे, कुत्ता नहीं हो जबरदस्त चला हूं। खाला, ऐसी क्या खबर टूट पड़ी है, दिखा दिया आखिर में अपना रंग। खालू, मैंने तो रंग दिखाया है, ये तुम्हारे घर वालों के लिए ना मेरे दिल में जंग है, ये तो आप खुलकर सामने आया है। खाला, चले ठीक है, अभी तस्वीर खिंचवा ले। खालू, ठीक तो नहीं है, यही तो वक्त बताने का, इस खानदान में तो दामादों को टके का से नहीं पूछा जाता। खाला, इतने साल हो गए शादी को, अब कहां के दामाद। खालू, तो दे दो मुझे रुकने वाले को। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।